My dear champions, very good afternoon ji. If you can hear me, मेरी आवाज ठीक ठाक से आ रही है, बढ़िया से आ रही है, साफ सुथरी आ रही है, मेरी शक्ल ठीक ठाक सी आ रही है, क्लियर आ रही है, तो प्लीज टाइप लाउड एंड क्लियर एल एन सी. और बोला यस सर, ऑल वेल, थैंक यू वैभव. सबसे पहले शुरू करते हैं. रोहित जी गुड आफ्टरनून, संजय जी कैसे हो, राधे व्यास जी गुड आफ्टरनून, विक्रांत जी क्या हाल चाल है, देवेंद्र यादव द सुपरमैन गुड आफ्टरनून, वैभव कुमार जी गुड नून जी, सुरेंद्र जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. राधे व्यास जी कैसे हो, वैभव कुमार, मयंक गर्ग थैंक यू सो मच, उपल पॉल जी गुड आफ्टरनून, उत्पल पॉल, रंजीत कुराडे जी गुड आफ्टरनून, चेतन जी कैसे हो, कितनी मीटिंग्स क्लोज हुई उस दिन, फिर क्या कन्वर्जन आ रहा है. पिंटू पटेल जी कैसे हो, आगे शहर में बाहर थे आप, क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे. मयंक जी गुड आफ्टरनून, सिमरनजीत सिंह जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी, बहुत खुशी हो रही है मिलके जी, थैंक यू थैंक यू. एक मिनट, चलिए जी. एक काम कीजिए आप सारे, एक तो पहले रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल दिमाग खाली, आंखें बंद कर लो फटाफट सारे. अगर मेरी रिस्पेक्ट करते हो, मेरे पे ट्रस्ट करते हो सारे, बिल्कुल जैसे बोल रहा हूं वैसे, सिर्फ एक मिनट के लिए दिमाग खाली, हाथ सामने टेबल पे, कुर्सी पे, जो भी सामने है, और बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद, कुछ नहीं सोचना. अब एक मिनट के लिए जो बोलूंगा वो सुनो, जो बोलूंगा उसको दिमाग में डालो, उसको दिमाग के अंदर ना, इसको बोलते हैं फैलने दो, तो क्या दिमाग के अंदर, या फिर जगह बनाने दो जो बोलूंगा अगले एक मिनट में. चलिए आंखें बंद. एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद. माउंट एवरेस्ट चढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये लोग कहते हैं, मैं कहता हूं कि वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है. बट जो बोल रहा हूं तुम्हारे को, जो गुरबाणी बोल रहा हूं, वो सुननी उससे भी मुश्किल है. कानों से सुननी अलग बात है, बट मन को दिमाग को सुनानी अलग बात है. दोबारा बोलूंगा एक बार, लास्ट बार, ट्राई करो कि मन को दिमाग को सुना दो, दिल को सुना दो जो बोलने वाला हूं. दोबारा सेम बोलूंगा, बहुत ध्यान से मन को सुनानी है ये गुरबाणी. मन को सुनाते कैसे, कि मन को बिठाओ और कहीं भागने ना मत दो, मन को और कोई ख्याल ना आए. ठीक है जी, मुझे बताना किस किसने पूरा सुन लिया इसको, पूरा सुनना है इसको. एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद. जप आद सच
जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच। आंखें खोलो और बताओ किसका मन बाहर भागा था और कितनी बार भागा था, या किसने पूरा सुन लिया और मन को कंट्रोल किया, बताओ चैट बॉक्स में। जिसने पूरा सुन लिया बोलो पूरा सुन लिया जी, PSL। जिसका मन भागा था कहीं और ख्यालों में गया था बोलो भागा था। PSL जो लिख रहे हैं वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है, मैं आज तक सुन ही नहीं पाया पूरा। मन भाग जाता है, मन चला जाता है फैक्ट्री में, दुकान पे, बच्चों के पास, कस्टमर के पास, वेयर हाउस में भाग जाता है। दोबारा बोलता हूँ, जो लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना मुश्किल है, मैं कहता हूँ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जो गुरबाणी मैंने बोली है उसको सुनना इम्पॉसिबल है, सुनना इम्पॉसिबल है। कानों से सुनना अलग बात है, सुनाई देगा, बट मन को सुनाना एक एक वर्ड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सुनाई नहीं दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, सिद्ध साधक को, साधुओं को सुनाई नहीं दिया। वो कहते सुनते तो हैं बट ये नहीं सुनता, ये नहीं सुनता, ये तो सुनता है। और कहानी क्या है इसको सुनाने की, मन कहाँ आता है, यहाँ पर दिमाग में, जो भागता है उड़ता है, बार बार उड़ता है, मन यहाँ होता है, ये नहीं सुनता, ये तो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून संजय। चलिए जी, मेरा मन कर रहा है कि आपसे बातें करता रहूं और मीटअप वीटअप छोड़ दूं। मीटअप तो एक 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 जरिया है आपसे मिलने का, एक जरिया है आपसे बात करने का, बट जो मैं ये शेयरिंग करता हूं ना आपसे, ये दिल से निकलती है, सारी सारी दिल से निकलती है। सुबह 5 AM जैसे आप लोगों का होता है, मेरा भी होता है, मेरा थोड़ा जल्दी उठ जाता हूं मैं ऊपर वाले की कृपा से, तो जल्दी उठ गया था लगभग 2:45 बजे। तो तब से बैक टू बैक चल रहा हूँ, 2:45 बजे उठा, फिर पाठ पाठ होता है हमारा, पाठ के बाद फिर गुरुद्वारे यहाँ पर बंगला साहब गए, वहाँ पर स्नान किया बच्चों ने हमने सरोवर में, उसके बाद फिर एक और गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, वहाँ पर कीर्तन था, फिर वहाँ से वापस आया लगभग 12:30 बजे, फटाफट तैयार होकर ऑफिस आ गया 1:15 बजे। थोड़ा सर भारी हो रहा है, सुबह से बैक टू बैक चल रहा हूँ। चलिए शुरू करें, टाइप एस के शुरू करो सर, एस के एस टाइप एस के शुरू करो सर। थैंक यू देवेंद्र, थैंक यू रशिद पाल, थैंक यू पिंटू, थैंक यू गुरपाल, रंजीत जी। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग कम्युनिटी में नहीं है, जो लोग मेरी कम्युनिटी में यहां पर नहीं है, कम्युनिटी क्या है, मेरी कम्युनिटी या मेरे पेड मेंबर्स हैं, जो लोग कम्युनिटी में नहीं है प्लीज टाइप NH नहीं है, एल्स आई विल मूव फॉरवर्ड। जो लोग मुझे नहीं जानते टाइप NH नहीं है, कम्युनिटी के बाहर से हैं। गोपाल जोशी जी नहीं है, राधे व्यास नहीं है, रशकित आहूजा नहीं है, सिमरन जी, सद्दत नौमन अंसारी जी नहीं है, राहुल अरोड़ा नहीं है, उत्पल पॉल नहीं है, आशीष पांडे नहीं है, रवि कुमार नहीं है। चलिए ठीक है, परफेक्ट, कोई बात नहीं। आपको मैं वेरी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मेरा नाम रुशनीक सिंह है, मैं एक B2B पेमेंट रिकवरी कोच हूँ, भारत का इकलौता रत्न हूँ जो पेमेंट रिकवरी कोचिंग करता है, और बड़ी सिंपल सा मेरा जीवन है, सिंपल से मेरे फंडे हैं। अभी तक लगभग 6,000 लोगों को कोचिंग दे चुका हूँ पेमेंट रिकवरी की, और लगभग 400 लोग मेरे स्कूल में हैं जो मेरे पेमेंट रिकवरी के फंडे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं इंडिया में, आपको चैलेंज आता होगा कि आपकी पेमेंट नहीं आती, उनको वो कोचिंग करता हूँ, पेमेंट रिकवरी कोचिंग, एज सिंपल एज दैट।
उसके अलावा मैं 7 साल से मैं लर्निंग कर रहा हूँ। मेरी हॉबी है सेल्स पढ़ना, मार्केटिंग पढ़ना, ब्रांड मेकिंग पढ़ना, यूएसपी पढ़ना। मैं वो पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, ये मेरी हॉबी है। चलिए शुरू करते हैं। चेतन जी आप हंसे क्यों? ब्रांड बिल्डिंग चैप्टर 1। सबसे पहले आप लोग जो इस कम्युनिटी में हैं और नहीं है, जो हैं जो 5 AM नहीं कर रहे, सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क, कौन कौन 5 AM कर रहा है? मेरे तरीके से, मेरे तरीके वाला 5 AM, टाइप मी, टाइप एम, फटाफट से मेरे वाले तरीके से। चेतन कर रहा है, नीरज सोलंकी, सुरेंद्र सिंह, अंकित सिंगल, देवेंद्र यादव, मनप्रीत। मनप्रीत मैं आपको माइक दे रहा हूं, जो लोग नहीं कर रहे जस्ट गिव देम कि क्या वो लोग मिस कर रहे हैं। मैंने आपको माइक भी दे दिया है और आपको मैं पनिश बना दिया है। एक्टिव योर वीडियो सिर्फ 2 मिनट के लिए, एक्टिव योर वीडियो और बताओ कि 5 AM में क्या मैजिक हो रहा है। मनप्रीत फटाफट से। मनप्रीत कैन यू हियर मी? यस मनप्रीत, प्लीज प्लीज एक्टिव योर वीडियो एंड शेयर कि क्या हो रहा है 5 AM में, क्या मैजिक हो रहा है। जो लोग ये किस लिए कर रहा हूं मैं आपको मनप्रीत, जो लोग 5 AM नहीं कर रहे जस्ट गिव देम द सेंस कि भैया वो क्या मिस कर रहे हैं और वो क्या, मतलब क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर लाइफ वो मिस कर रहे हैं जस्ट फॉर दिस, बस दैट थिंग। जी सर। सर मैं जैसे आपने मेरे को बताया था, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 4:30 का अलार्म लगाता हूँ। 4:30 और 5 o'clock से बीच में उठने की कोशिश करते हैं और उठ भी जाते हैं। और उठने के बाद जैसे आपने बताया था कि 15-20 मिनट्स मेडिटेशन करो, पहले स्नान करके मेडिटेशन करके, और उसके बाद जो आपने बताया था कि अपना ब्रेन डंप करना है ऑन पेपर, अनलोड करना है, अनलोड ठीक है, अनलोड करना। करना है, तो वो बेसिकली क्या रहता है कि अपनी कॉल शीट देखकर, अपने व्हाट्सएप के कॉल्स देख के, अपनी कॉल शीट देख के, मैं जो काम मेरे लोगों के नाम देख के याद आते हैं कि ये काम मुझे करने थे, ये करवाने थे, ये कल नहीं हुए, ये आज करने थे, ये सब मैं पेपर के ऊपर जॉट डाउन करता रहता हूँ। जॉट डाउन करके मैं उसकी एक फोटो खींच लेता हूँ अपने कैमरे से, और कैमरे से लेके फैक्ट्री में जाने से पहले पहले मुझे ये पता होता है कि काम किसको क्या क्या डेलीगेट करना है। तो ये तो हो गया, आप कर क्या रहे हो? आई वॉन्ट जी की रिजल्ट क्या आ रहा है? सर, रिजल्ट ये आ रहा है कि आई थिंक बाय 11:30 और 12 o'clock आई एम ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम माय वर्क, और मैंने सब कुछ काम अपने सारे दिन का सबको डेलीगेट कर दिया होता है, और मेरा रोल रह जाता है जैसे आपने 1, 2, 3 के बीच में बताया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना फॉर योर बिजनेस। तो मेरा वो वर्क रह जाता है कि मैं अब लंच करके और अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चालू करूं अपनी सेल्स टीम के साथ। और इससे रिजल्ट क्या आ रहा है कि जो पहले हम सारा दिन अपने नॉर्मल कामों में उलझे रहते थे, कुछ नई प्रोग्रेस कर ही नहीं पाते थे, कुछ नए कस्टमर के बारे में सोच ही नहीं पाते थे, या कुछ पुराने कस्टमर जो छूट गए हैं या जो अब नहीं जुड़ पा रहे हैं, अभी हम उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो ये सब चीजें दोबारा रिवाइव हो रही हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक अ मोर प्रोडक्टिव डे आउट ऑफ अ नॉर्मल डे। मैं, माय डियर पार्टिसिपेंट्स, इस समय यहाँ पर 56 लोग हैं मेरे समेत, 116 की रजिस्ट्रेशन है। बता दूं आप लोगों कि जो लोग 5 AM नहीं कर रहे हैं, जैसे मनप्रीत ने बताया कि वो 5 बजे काम शुरू करते हैं और 11 बजे 11:30 फ्री हो जाते हैं, ये सबके साथ होता है जो लोग 5 AM करते हैं। आप लोग 11 बजे शुरू करते हो काम, वो 11 बजे खत्म कर देते हैं। वो 5 से 11 में कितने घंटे हुए? 6 घंटे। वो 6 घंटों में काम करते हैं 18 घंटों का। क्यों? उस समय उनको डिस्टर्ब कोई नहीं कर रहा, डिस्टर्ब कोई नहीं कर रहा। उससे बड़ी बात जो मैंने बताया था पहले आपको, 5 बजे सुपर नेचुरल पावर्स घूम रही होती हैं ब्रह्मांड में, आपके उठते हुए आपके पास आ जाती हैं और आपके दिमाग को दौड़ाती हैं 1000 की स्पीड से, 1000 की स्पीड से।
आप 11 बजे ऑफिस में पहुंचते हो, 5 एम नहीं किया, आप घुस जाते हो फायर फाइटिंग में, वो नहीं आया, वो चला गया, माल खराब, माल नहीं आया, पेमेंट नहीं आई, पेमेंट जा नहीं है, माल सड़ गया, माल आ गया, माल जा गया, बस, और आप खत्म, आपका दिन खत्म। आपको तो यार 11 बजे आया था, 2 बज गए, अरे अभी तो खाना खाया था, 7 बज गए, दिन खत्म हो गया, और आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाए। प्रोडक्टिव आज बताऊंगा कि 5 AM क्लब में जो लोग हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं ब्रांड मेकिंग की तरफ, वो कैसे अपना दिन प्रोडक्टिव कर रहे हैं, सब बताऊंगा आज। थैंक यू सो मच मंत्री फॉर द ऑनेस्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग। प्लीज आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जो लोग नहीं, जो लोग कर रहे हैं 5 AM वहां पर, यहाँ पर अभी मेरे ख्याल 8-10 लोग हैं उनमें से, या 15 लोग होंगे। उसके अलावा जो लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से मतलब मेरी सिनेम्बर विनती है हाथ जोड़ के आपके पैरों में पड़ के, एक हफ्ता कर लो, एक हफ्ते के बाद रिजल्ट ना आए छोड़ देना, कभी मत करना जिंदगी में, कभी मत करना, और रिजल्ट आए मुझे थैंक यू नोट भेज देना कि सर 5, और बता दूं आप लोगों को 5 AM इज द नर्सरी क्लास फॉर बीइंग अल्ट्रा सक्सेसफुल ब्रांड। 5 AM इज द बेसिक फाउंडेशन क्लास, ये भी नर्सरी क्लास है, यूनिवर्सिटी लेवल कुछ और है, बताऊंगा धीरे धीरे, आज बताऊंगा आपके पैर खड़क जाएंगे। 5 AM इज नर्सरी क्लास फॉर बीइंग अल्ट्रा सक्सेसफुल ब्रांड, बट बेसिक यही है, शुरू यही से होएगा। एक ब्रांड मुझे कोई बता दे कि वो बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत नाम है, बहुत बहुत नंबर है, और वो 5 AM उसका मालिक नहीं करता, साइंस ही नहीं है। अल्ट्रा सक्सेसफुल पीपल आर अर्ली राइजर्स, लिख लो ER, अर्ली राइजर्स, सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह लेट उठना अपने आप को बर्बाद करने की स्टोरी है, रेसिपी ऑफ डिजास्टर, ROD। व्हाट इज ROD, लिख लो सारे, व्हाट इज ROD, सुबह लेट उठना, SLU लिखो चैटबॉक्स में, सुबह लेट उठना। लेट का मतलब क्या है, 8 बजे के बाद उठना, 7:30 उठना, 8:30 उठना, 9 AM उठना, जितना लेट उतना बर्बाद। चलिए आगे चलते हैं, चलूंगा आराम से, जो मेरा स्टाइल है, जिसको जल्दी है वो जा सकता है, वो भाग सकता है यहां से, ठीक है। मेरे पास कंटेंट बहुत है देने के लिए, ये क्लास 5 बजे तक है, अगर आज कंप्लीट नहीं हुई तो अगले हफ्ते दोबारा करेंगे, ठीक है, बट चलेंगे आराम से, कि जो जो बताऊं आपको वो आपकी नर्व्स में इंजेक्ट हो जाए, अंदर चला जाए। तो 5 AM इज मैंडेटरी फॉर बीइंग अल्ट्रा सक्सेसफुल ब्रांड, ये क्लियर है। जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो 5 AM नहीं कर रहे, अभी लिंक दूंगा सबको, अभी के अभी ग्रुप ज्वाइन करो, ग्रुप पे करना क्या दिखाता हूं आपको मैं, जस्ट अ मिनट। ये हमारा 5 AM क्लब का ग्रुप है, ठीक है, करना क्या है, नीरज सोलंकी दिख रहा है आपको, दिख रहा है, जो लोग नए हैं, आज की डेट क्या है, 19 जून का, 19 जून पे नीरज उठे आज 4:12 पे, नीरज यहाँ पर हैं, बताता हूँ उनको, बुलाता हूँ उनको भी मैं। कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ 4:12, 4:12 उठे, 4:30 बैठ गए होंगे काम करने के लिए, कैन यू इमेजिन कितनी स्पीड से काम हो सकता है इस समय, कितनी स्पीड से, यू कांट इमेजिन, आपको अंदाजा नहीं है। जो लोग नहीं उठते, जिन्होंने इस टाइम का फ्लेवर नहीं लिया आज तक, यू कांट इमेजिन द पावर, द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन यू कैन डू योरसेल्फ, यू कांट इमेजिन। जितेंद्र सिंह जी 4:18, सुरेंद्र सिंह जी 4:46, राजन भार्गव 5:08, 5:19, ये आज की थी, ये कल की है, ये परसों की है सारी,
देखो आप में से सिर्फ 4% लोग हैं इस दुनिया में जो इस दुनिया को सक्सीड करते हैं, लीड करते हैं, 4%। ऐसे ही जितने भी आप बैठे हैं आए, सिर्फ 4% ही इसको अचीव कर पाएंगे, 5M क्लब। ये चलती साइंस ही ऐसे चलती है, ये साइंस ही चलती है ऐसे, आप सब कर ही नहीं पाएंगे, बट जो 4% में होंगे वो कर पाएंगे। नाउ यू डिसाइड कि आप कितने परसेंट में हैं, 96 में या 4 में, टाइप 96 या 4 में हो आप। इफ यू वांट टू बी इन द 4%, द 4% पीपल, यू हैव टू वेक अप एट 4:30, 4:45। और कोई दूसरा रास्ता नहीं बना सक्सेसफुल होने का। और मेरे लैंग्वेज में सक्सेसफुल होना पैसा कमाना नहीं है। मेरी बुक्स में सक्सेसफुल होना पैसा कमाना नहीं होता। मेरी बुक्स में क्या है? हैप्पी रहना, हैप्पी रहना। आप हैप्पी, फैमिली हैप्पी, टीम हैप्पी, वेंडर्स हैप्पी, कस्टमर्स हैप्पी, पेरेंट्स हैप्पी, स्पाउस हैप्पी, स्मूथ लाइफ, झटके कम, इसको मैं बोलता हूं सक्सेसफुल लाइफ। बहुत सारा पैसा कमा रहे हो बट रात को नींद नहीं आ रही है, इसको मैं सक्सेसफुल नहीं बोलता, ये उल्टा है बल्कि, और मैं वो नहीं चाहता ना, मैं वो सिखाता हूं। विद मी और नॉट आई विद यू सर। लिंक शेयर कर रहा हूं ज्वाइनिंग का, कहां से आएगा? जो लोग कम्युनिटी में नहीं है प्लीज वो ना क्लिक करें इसको, लिंक को। जो कम्युनिटी में है, जो मेरे मेंबर्स हैं, जो इन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ है, ये सिर्फ उनके लिए अभी रिक्वेस्टेड है, लिंक शेयर कर दिया। अगर आप ग्रुप पे नहीं है, अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए। और सुबह उठ के सिर्फ गुड मॉर्निंग लिखना है, ओनली गुड मॉर्निंग लिखना है, सिर्फ जितने बजे उठोगे उठते सार सिर्फ गुड मॉर्निंग लिखना है। और हम आपको भेजेंगे कि आज के चैंपियंस कौन है 5AM के, हर रोज भेजते हैं हम, टुडेज 5AM चैंपियंस। आई रिक्वेस्ट कि जो लोग कम्युनिटी के बाहर है, अभी आप इसको मत ज्वाइन करना, इट्स अ प्रोसेस टू बी इन दिस क्लब, इट्स अ प्रोसेस। अगर आप अभी करोगे आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? अभी आप लोग मत करना जो मेरी कम्युनिटी में नहीं है, जो मेरे पेड मेंबर्स नहीं है। आई टेल यू हाउ टू बी इन द ग्रुप, अभी आपके लिए नहीं है। जो लोग कम्युनिटी में है बट इस ग्रुप पे नहीं है, उनके लिए है सिर्फ। अभी क्लिक द लिंक एंड ज्वाइन द ग्रुप। और करना क्या है जी, दोबारा बता रहा हूं, सुबह उठना है और भेजना है गुड मॉर्निंग, बस इतना ही बहुत है, इतना ही मोटिवेशन बहुत है आपके लिए, मेरे लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है जी इतना? आगे चलें। टाइप क्लियर है? क्लियर है CH, फटाफट से। परफेक्ट। जो लोग चैट बॉक्स में ना बातें करेंगे ना मेरे साथ, जो लोग एक्टिव मेंबर्स हैं और चैट बॉक्स में लिखेंगे मेरे साथ बातें करेंगे, आई विल गिव देम वन सीक्रेट वीडियो ब्रांड मेकिंग पे, बाकी को नहीं दूंगा, आज ही दूंगा। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव ऑन द चैट बॉक्स। क्लियर है जी? टाइप क्लियर है? मजा आता है ना फिर, ऐसे नहीं मजा नहीं आता फिर, मैं लगता है सिर्फ मैं ही बोली जा रहा हूं। परफेक्ट। टू अचीव अ फाइनेंशियल गोल और एनी गोल, टू अचीव एनी गोल ऑफ योर लाइफ यू हैव नेवर अचीव्ड बिफोर, यू विल हैव टू एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप अ स्किल और स्किल्स दैट यू हैव नेवर हैड बिफोर। इसका मतलब क्या है जल्दी बताइए। To achieve any goal in your life, जो आपने पहले कभी अचीव नहीं किया, for that you have to acquire some special knowledge and develop some special skills for that, जो आपने उससे पहले, आज से पहले कभी नहीं की। इसका मतलब कौन बताएगा? हैंड रेस करो फटाफट, हैंड रेस फटाफट।
कौन बताएगा? यस सुरेंद्र सिंह जी, रंजीत कुराड़े जी, ग्रैब द माइक। हेलो यस सर, वॉइस क्लियर है? हाँ क्लियर है, क्लियर है। ओके सर, हेलो एवरीवन। सर ये जो आपने लिखा है ना, इसमें टू अचीव अ फाइनेंशियल गोल यू हैव नेवर अचीव्ड, नॉट फाइनेंशियल गोल, एनी गोल, एनी गोल, किसी भी चीज को हमें, जो भी चीज हमको प्राप्त करनी है, चाहिए है, अगर हम उसका प्रॉपर नॉलेज या स्टडी या प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे तो हम उसको बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। चाहे वो 5 AM हो, चाहे वो हमारी पेमेंट की रिकवरी हो, जब हम आपसे नॉलेज ले रहे हैं तो हम उसको इजी वे में अपने फाइनेंशियल्स जो है हमारी रिकवरी के हैं, हम उसको इजी वे में हम ले पा रहे हैं। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। रंजीत कुराड़े जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस यस यस, परफेक्ट। या ओके, सो ओके, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। सो राइट नाउ एक परफॉर्मिंग वन बिजनेस एंड आई ट्राई टू एक्वायर अनदर बिजनेस। सो फॉर दैट बिजनेस आई शुड हैव द नॉलेज रिगार्डिंग दैट बिजनेस एंड स्पेशल स्किल्स रिगार्ड टू फंक्शन दैट बिजनेस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी अभी गुप्ता। यस, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि जो हमने कोई भी गोल जो हमने कभी भी पहले प्राप्त नहीं किया है, पहुंचे नहीं है, उसके लिए हम करंट स्किल सेट, करंट नॉलेज से तो पहुंच ही नहीं सकते, अदरवाइज वी वुड हैव रीच देयर। तो हमें वो स्किल्स, वो नॉलेज लेनी ही पड़ेगी ताकि वी कैन अचीव द न्यू गोल्स दैट वी नेवर अचीव बिफोर। एज सिंपल एज दैट, आप बिल्कुल ठीक है, आप सारे ठीक हैं। अगर लॉन्ग जंप में ओलंपिक जीतना है तो क्या करना पड़ेगा अभिषेक? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। यस, वो स्किल सीखना पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा। वाइज़ वर्सा अगर ब्रांड मेकिंग करनी है, आज चैप्टर है ब्रांड मेकिंग का, ब्रांड मेकिंग करनी है तो ब्रांड मेकिंग का स्किल सीखना पड़ेगा। तो ब्रांड मेकिंग के पीछे जो स्किल्स छुपे हुए हैं, किस स्किल्स को अक्वायर करें कि ब्रांड बन जाए, वो सीखने पड़ेंगे। एज सिंपल एज दैट, क्लियर है जी? ऑल ऑफ यू प्लीज क्लियर है? प्लीज टाइप क्लियर है, क्लियर है, परफेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए ध्यान से, दोबारा बोल रहा हूं, चलूंगा आराम से, अगर खत्म हो गया 5 तक ठीक है, नहीं तो अगली बार दोबारा करेंगे इसको अगले हफ्ते। अब ध्यान से देखिए अपने आसपास, जो भी आप बिजनेस करते हैं, आपकी जैसी भी फैक्ट्री है, जैसा भी गोडाउन है, जैसा भी ऑफिस है, जैसी भी आपका ड्रेस कोड फर्नीचर है, कुछ भी आप देख रहे हैं अपने आसपास, अपने बिजनेस के अंदर या देखते हैं, आज वो एक्चुअल होंद में है, बट कुछ टाइम पहले एक आइडिया था, उस आइडिया पे आपने इम्प्लीमेंट किया और वो चीज होंद में आई, चाहे वो आपका ऑफिस का फर्नीचर है, चाहे वो कपड़े जो आप पहने आपने आज, चाहे आपका कोई डिजाइन है, कोई सैंपल है, कोई फैक्ट्री का कोई सिस्टम है, कोई ईआरपी है, सीआरएम है, कुछ भी, आज से पहले आइडिया था, कभी आइडिया था, वो आइडिया पे आपने इम्प्लीमेंट किया तभी होंद में आया। अग्री और डिसअग्री? ऐसे ही आप जो अपने आसपास देख रहे हैं, मेरे पास ये बॉटल पड़ी है, ये वॉलेट है, ये मोबाइल है, चार्जर है, ये हाइलाइटर है, ये जिसने भी बनाया, जब ये नहीं बना होगा, उस समय एक आइडिया आया होगा, एक थॉट आया होगा मन में कि ये भी बन सकता है। अग्री और डिसअग्री? बारीक पॉइंट है जी, इसको एक तो पहले तो सुनो कि नोट्स बना लेना, बिना नोट्स के ना चलना मेरे साथ, नहीं तो कुछ समझ नहीं आने वाला। नोट्स जरूर बनाना। चेतन जी, आप जितने भी सैंपल्स बनाते हैं वो कभी आइडियाज थे, आइडियाज को कन्वर्ट किया, वो सैंपल बन गया, वो नाइट सूट बन गया। यस नो चेतन? वो थॉट होता है पहले। ऐसे ही
ऐसे ही चाहे वो कार बनी है, चाहे वो बल्ब बना है, चाहे वो ब्लूटूथ बना है, चाहे वो कुछ भी बना है इस दुनिया में, बनने से पहले वो किसी ना किसी को थॉट या आइडिया आया था। अग्री और डिसअग्री, फटाफट बताइए। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका आज क्या आइडिया दिमाग में आ रहा है जो आप इंप्लीमेंट करोगे थॉट को, और वो होंद में आएगा, वो रियल लाइफ में आएगा। वो क्या आइडिया आपका अभी उत्पन्न हुआ पिछले आधे घंटे में या चल रहा है? वेरी गुड राहुल, अमेजिंग। 5 AM, जब तक आइडिया थॉट में नहीं आएगा तब तक रियलिटी में भी नहीं आएगा। ये सिस्टम समझ लो आप। जो चीज अचीव करनी है जब तक वो थॉट में नहीं आएगा, जब तक उसका आइडिया क्रिएट नहीं होएगा, तब तक वो रियलिटी में भी नहीं आएगा। आप अपने ब्रांड को कहां देखते हैं आज से 5 साल बाद? ये आइडिया या थॉट अभी के अभी इंजेक्ट कर दो अपने दिमाग में और लिखो चैट बॉक्स में। कुछ भी समझ आ रहा है ब्रांड को लेके, ब्रांड को लेके, ये सिंगल थॉट विल क्रिएट योर डेस्टिनी, द सिंगल प्रैक्टिस। कुछ भी समझ आ रहा है अपने ब्रांड को लेके? मेरा ब्रांड इस समय 25 कंट्रियों में अवेलेबल है, ये भी एक थॉट है। तो क्या थॉट? जो थॉट मैंने बोला वो मत लिख देना, सेम अपने दिमाग से लिखो कि क्या देखते हो अपने ब्रांड को। नहीं नहीं, ये सेल्स सूस मत लिखो अभी, नहीं ये नंबर ना लिखो अभी कि मेरी सेल इतनी हो जाएगी, नहीं। ब्रांड की क्या फोटो देखते हो अभी अपने दिमाग में? कस्टमर ट्रस्ट, यहां से ठीक है कि हर कस्टमर मेरे ब्रांड की तारीफ कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है मेरे पे, हर कस्टमर। वेरी गुड चेतन, क्वालिटी इज अवर मोटो, ये क्या है? ये क्लियर थॉट नहीं है जी, जिसने भी लिखा था। यस पुनीत कुबर, दिस इज कॉल्ड एज थॉट मोनोपोली। वेरी गुड आइडिया, यस यूनिक प्रोडक्ट, वेरी गुड आइडिया प्रशांत। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, जब तक वो आइडिया थॉट में नहीं आएगा तब तक रियलिटी में भी नहीं आएगा। इतना क्लियर है? किसी चीज को होंद में लाने के लिए, रियलिटी में लाने के लिए उसका थॉट इंजेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने आज बैठा हूं, 5 AM क्लब का हमारा मीटअप है, ब्रांड मेकिंग का चैप्टर है। ये कभी ना कभी मुझे थॉट आया था, वो थॉट मैंने रिकॉर्ड किया अपने पास, इसमें रिकॉर्ड किया कि करना है, और वो थॉट लगभग आया था, ये थॉट 4 महीने पहले, लगभग 4 महीने पहले रियलिटी में आज कन्वर्ट हो रहा है ब्रांड मेकिंग का चैप्टर। आई होप You got amazing insight of this process. कि जब तक thought में नहीं आएगा तब तक reality में भी नहीं आएगा। Do you love me on this? I love you, sir. अच्छा जी, मजाक कर रहे, सही में लिख रहे हो। इनको कोई जानता है? टाइप जानते हैं GH, इनका नाम क्या है, क्या नाम है इनका? देवेंद्र जी, पिंटू जी, सदफ जी, यस वेरी गुड पिंटू जी, साहब जी भाई, साहब जी भाई, साहब जी भाई गरीब घर से थे, बहुत गरीब घर से।
सूरत के एक छोटे से गांव दुधला के, दुधला अमरेली डिस्ट्रिक्ट के, 13 साल के थे जब स्कूल से निकाल दिया गया या खुद बाहर आ गए, पढ़ाई नहीं होती थी। सूरत आ गए 1977 में एक बस के अंदर बैठ के, जो स्टेट की बस थी, और जेब में थे सिर्फ 12 रुपए 50 पैसे, 12.5 रुपए। अपने अंकल के यहाँ, चाचा जी के यहाँ जॉब शुरू की। अंकल का बिजनेस था डायमंड बिजनेस। बिना घड़ी देखे मेहनत की, बिना घड़ी देखे और हेल्थ को देख के मेहनत की, जॉब की, और 10 साल के अंदर अंदर, 10 साल के अंदर अंदर तैयारी शुरू कर दी अपनी कंपनी खड़ी करने की। 1992 के अंदर कंपनी खड़ी हो गई, कंपनी खड़ी हो गई, और 2014 में इनकी रिकॉर्ड टर्नओवर थी 400 करोड़ की, 400 करोड़ 2014 के अंदर। लगभग 6500 के आसपास एम्प्लॉयज काम करते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, तो डिलीवरी है ही है डायमंड की। 480 से 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उसके अलावा लगभग 6000 से 6500 रिटेल आउटलेट्स पे डायमंड की डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई है। उसके अलावा लगभग 50 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है मुंबई से। जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्या समझा आपने, कैसे किया ये सब कुछ, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे सक्सेस का रीजन क्या है, क्या बताया इन्होंने, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट वाज हिज सक्सेस रीजन? यस, ही इज ऑल्सो द पद्मश्री अवॉर्डेड। यस यस अंकित, चेतन आपकी जो चैट है वो सिलेक्ट है टू ओनली पैनलिस्ट, प्लीज सिलेक्ट टू एवरीवन, एवरीबडी प्लीज सिलेक्ट योर चैट टू सेंड टू एवरीवन। अंकित सिंगल कुछ कुछ ठीक है, रंजीत सिंह जी आप कुछ कुछ ठीक हो, ड्रीम आया आप भी ठीक हो, बट इन्होंने एक बार ये शेयर किया था कि मेरा सक्सेस के पीछे सीक्रेट क्या है, इनका एक नोट, एक आर्टिकल आया था, इनके आर्टिकल आया था कि इनका सक्सेस का सीक्रेट क्या है। सो लेट मी टेल यू विदाउट वेस्टिंग टाइम, सक्सेस का सीक्रेट उन्होंने बताया कि मैंने जिस दिन भी कोई चीज सीखी, मैंने जिस दिन भी कोई नई चीज सीखी, जिस चीज के मेरे बिजनेस को, हेल्थ को, फैमिली को, मेरी सेल्स को, प्रॉफिट्स को कुछ ना कुछ हाइक मिलता हो, मेरे किसी भी एंगल को, चाहे हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, फैमिली, ऐसी कोई चीज मैंने पढ़ी या सीखी जिस चीज से मेरी किसी भी चीज को हाइक मिलता है, मैंने वो चीज उसी दिन इंप्लीमेंट में डाल दी, नेक्स्ट दिन की वेट नहीं की। दोबारा बोलता हूं, कुछ भी चीज सीखी समझी वो उसी दिन डाल दी इम्प्लीमेंटेशन में, कल करूंगा नहीं किया, कि कल इम्प्लीमेंट करके देखूंगा नहीं किया। सिंगल स्ट्रैटेजी, दिस इज द वन थिंग दैट हेल्प्ड हिम मेकिंग करोड्स एंड अरब्स एंड बहुत कुछ। पीछे हाल ही में इन्होंने कई 100 गाड़ियां निकलवाई अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट करने के लिए दिवाली पे, कई 100 गाड़ियां मारुति की, आई डोंट नो द नंबर। क्लियर है सबको जी? क्या इंप्लीमेंट किया है इन्होंने, क्या सीक्रेट था बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए फटाफट से क्या सीक्रेट था।
यस सेम टाइम अप्लाई यस इम्प्लीमेंटेशन राइट अवे इम्प्लीमेंटेशन राइट अवे नो प्रोकास्टिनेशन नो प्रोकास्टिनेशन। उम्मीद है आप लोगों को ये फंडा ये प्रिंसिपल अभी तक क्लियर है जो मैंने आपकी ग्राउंड बनानी चाहने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि वो ग्राउंड अब बन चुकी है ब्रांड मेकिंग की बन चुकी है जी। यस नो कर दो एक बार। ब्रांड मेकिंग की ग्राउंड क्लियर है टाइप ग्राउंड क्लियर है जी सी एच ग्राउंड क्लियर है। ग्राउंड में क्या है दो चीजें फर्स्ट 5 AM दूसरी जो सीखो जिस दिन उसी दिन इंप्लीमेंट कर दो कल की वेट ना करो। देवेंद्र ध्यान से सुनना दो चीजें हैं ग्राउंड में 5 AM और इंप्लीमेंट राइट अवे राइट अवे राइट अवे। यस नहीं तो आड़ी रह जाएगा यार इनपुट। चलिए फटाफट से व्हाट इज अ ब्रांड कौन बताएगा चैट बॉक्स में व्हाट इज अ ब्रांड। देखिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए एल्स कुछ मजा नहीं आएगा यार। राजन भार्गवाजी कुछ मुश्किल नहीं है सब बैकलॉग है आपका अपना बैरियर है। अगर एडिसन ये बोलते अगर ये बाबा जी ये बोलते जो बैठे हैं आइंस्टाइन बोलते तो क्या होता। अगर आइंस्टाइन बोलते कि आइडिया मुश्किल है तो क्या होता राजन कभी लाइट आ पाती कभी लाइट मिल जाती हमारे को राजन लाइट पैदा कर देनी यार आप तो सिर्फ कंपनी बना रहे हो उन्होंने लाइट पैदा कर दी उन्होंने और वो क्या बोलते हैं अगर आप गलतियां नहीं करते तो आप रॉन्ग पाथ पे हैं। अगर आप गलतियां नहीं करते अपने बिजनेस में तो आप रॉन्ग पाथ पे हैं। मैं क्या बोलता हूं वो भी सुन लो जब तक गलत नहीं होगा तब तक ठीक भी नहीं होगा। जब तक गलत नहीं होगा तब तक सही भी नहीं होगा। जो मर्जी कर लो सही की ग्राउंड गलत से शुरू होती है। ग्रेड की ग्राउंड बैड से शुरू होती है अगली से शुरू होती है ग्रेड की ग्राउंड। क्लियर है फंडा। सो व्हाट इज ब्रांड व्हाट इज अ ब्रांड फटा बताइए व्हाट इज अ ब्रांड ब्रांड क्या होता है ऑन एवरीवन टंग्स। ठीक है जो दिमाग में आ रहा है बता दो यार सोचो मत। ब्रांड इज द परसेप्शन ऑफ योर क्लाइंट हैज ठीक है एवरीवन नो इट। ठीक है और जल्दी से व्हेन कस्टमर डिमांड्स ठीक है सब जानते हो ठीक है इमेज ट्रस्ट ठीक है ट्रस्ट ठीक है और कुछ आप सब लोग इंटेलेक्चुअल बैठे हैं जी फटाफट बताइए। एक्चुअल रिक्वायरमेंट ठीक है यूएसपी ठीक है योर बेबी ठीक है यूनिक ठीक है द नेम विच कम्स इन कस्टमर माइंड। यस गुरुपाल सिंह जी यू आर ऑलमोस्ट देयर। अखिल गुप्ता यू आर ऑलमोस्ट देयर। कोलगेट इज पेस्ट ये क्या हुआ भाई पिंटू जी। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज अ ब्रांड। जब अमेज़न से पूछा गया कि ब्रांड क्या होता है तो उन्होंने क्या बोला योर ब्रांड इज व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम इट्स कॉल्ड ब्रांड। इसको दो तरीके से बोलेंगे कि आपके पीछे से आपकी बात हो रही है समझ लो आपका ब्रांड बन गया ब्रांड बन गया। आप नहीं हो और आपकी बातें हो रही हैं। वाह जी वाह क्या बंदे हैं क्या बिजनेस है क्या सर्विस है क्या कमाल का प्रोडक्ट है क्या यार क्या क्या माल बेचते हैं क्या प्राइजेस हैं क्या पॉलिसी है क्या सिस्टम है क्या मार्केटिंग का सिस्टम है। अगर आप नहीं हो और ये बातें हो रही हैं आपके पीछे समझ लो ब्रांड बन गया। यस और नो यस और नो
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड बनता या बिगड़ता कैसे है? ब्रांड बनता कैसे है, बिगड़ता कैसे है? इनपुट दो फटाफट से, आगे चलेंगे। ब्रांड बनता कैसे है, बिगड़ता कैसे? आवर मिस्टेक। चलो, ब्रांड बिगड़ता कैसे है, बनता छोड़ दो, बिगड़ता कैसे है? कैसे आपका ठीक ठाक सा ब्रांड भी मिट्टी में मिल जाता है? गलतियां कौन सी होती हैं? ब्रांड बिगड़ता कैसे है, नाम बिगड़ता कैसे है? क्वालिटी खराब देने से, रक्षित, पुअर क्वालिटी, पुअर कस्टमर सर्विस, रॉन्ग पॉलिसी, कॉम्प्रोमाइज इन सर्विस एंड प्रोडक्ट, क्वालिटी स्टाफ, बिल्कुल ठीक है पिंटू, लो क्वालिटी स्टाफ, प्राइसिंग इग्नोरेंस, रॉन्ग कमिटमेंट्स, विदाउट इंप्रूवमेंट्स, लो क्वालिटी एंड बैड बिहेवियर। देखिए कितना ज्ञान छुपा था आप लोगों में, जब नजर अंदाज करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि ब्रांड कैसे बनता है या बिगड़ता है, बट उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। लेट मी शो यू कि हमने क्या लिखा है। अल्ट्रा सक्सेसफुल थिंकिंग, ब्रांड बनता कैसे है? जिनका ब्रांड बना उनके बारे में वो क्या करते हैं? फेलियर थिंकिंग, ब्रांड बिगड़ता कैसे है, बिगड़ता कैसे है? मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, चल के निकलूंगा आगे। अल्ट्रा सक्सेसफुल थिंकिंग, ब्रांड बनता कैसे है? जिन लोगों का ब्रांड आज तक बना है वो काम नहीं करते। होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। जिन लोगों का ब्रांड बना है वो काम नहीं करते, दे डेलीगेट एवरीथिंग, वो काम करवाते हैं, दे आर नॉट एन एम्प्लॉय इन देयर बिजनेस। अब ये वो आपकी मैं बातें बता रहा हूं आपको, जिसकी ग्राउंड पे आपका ब्रांड खड़ा होगा। इसमें से कुछ भी आप इधर उधर करेंगे तो ब्रांड का सपना छोड़ दीजिए। जो लोग ब्रांड बनाते हैं वो काम करते नहीं हैं, करवाते हैं। दे डेलीगेट एवरीथिंग, दे ओनली डू स्ट्रैटेजी प्लानिंग, ओनली प्लानिंग। फेलियर थिंकिंग क्या है? जो लोग ब्रांड बिगाड़ते हैं अपना या नहीं बन पाते, दे वर्क एज एन एम्प्लॉय इन देयर बिजनेस। सुबह 9 बजे आए, रात को 8 बजे तक डोंकी की तरह काम करना है, फायर फाइटिंग करनी है, जहां आग लगी वहां बुझा देनी है, खुद ही माल बनवाना, खुद ही भेजना, खुद ही पेमेंट मंगानी, खुद ही जमा करवानी, खुद ही दोबारा ऑर्डर लेना, खुद ही सेल्स करनी। ये वो लोग होते हैं जो खुद ही एम्प्लॉय हैं अपने बिजनेस में। अर्ली राइजर्स, जो लोग ब्रांड बनाते हैं वो जल्दी उठते हैं। एक भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो बन गया हो उसका मालिक जल्दी ना उठता हो। संडेस को छोड़ दो। फेलियर थिंकिंग, लेट उठना, लेट उठने वालों का ब्रांड बनना एक कहावत है, एक कहावत है, सुई के छेक में से, सुई के छेक में से ऊंट निकल गया, मैं ये मानने को तैयार हूं। उम्मीदें बात अंदर डल गई होगी। सुई के छेक में से, सुई के छेक में से ऊंट निकल गया, मैं मानने को तैयार हूं। बट मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि बंदा लेट उठता है या लेट उठता था और उसका ब्रांड बन गया। उम्मीद है बात इंजेक्ट हो गई होगी। थर्ड पॉइंट, दे ऑलवेज इन्वेस्ट टाइम। व्हाट इज इन्वेस्टिंग टाइम? ये वहां टाइम लगाते हैं अपना जहां पर इनको कई गुना रिटर्न आता है टाइम का। इन्वेस्टिंग टाइम, ऑन द अदर साइड फेलियर से करते हैं, दे स्पेंड टाइम। वहां टाइम लगाना, रिटर्न तो आना ही नहीं है, सिर्फ खर्च होना है समय और दिमाग और सब कुछ। वो काम जो एक 15,000 का बंदा कर सकता है,
वो काम भी वो लोग खुद करते हैं बिकॉज दे हैव अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग टाइम बट ऑन द अदर हैंड दे इन्वेस्ट टाइम वहां जहां का रिजल्ट आना है 3 गुना. फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हायर टीम उनसे ज्यादा समझदार होती है. दे हायर टीम जो उनसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल होती है. ऑन द अदर साइड फिलर थिंकिंग, ये वो टीम हायर करते हैं जहां पर पैसा कम देना पड़े, बस चाहे उसको जाना पड़े गधों की तरह, वहां दिमाग मारना पड़े बट पैसा कम लगे. दे हायर लो कॉस्ट टीम और कभी कभी नो टीम, खुद ही करना है सब कुछ. एक आधा बंदा रख लिया बस बहुत है, अब खुद ही सब कुछ करेंगे. फिफ्थ पॉइंट क्लियर रोड मैप. क्या के बाद क्या करना है. इस महीने मेरा क्या गोल है, इस साल का क्या गोल है, अगले 5 साल का क्या गोल है, इनके पास क्लियरली लिखा होता है. ऑन द अदर साइड नो प्लानिंग, ऑलवेज रेडी फॉर फायर फाइटिंग, आग बुझाना. नो प्लानिंग, जो आया वो कर लेंगे, जो ऑर्डर आ गया उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे. बस लास्ट पॉइंट, दे ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड, दे आर ऑलवेज थैंकफुल टू अदर्स कि भाई आपकी हिम्मत से, आपकी मदद की वजह से मेरा ब्रांड बन पाया है, आपकी वजह से. दे ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स देयर स्पाउस, फैमिली, पेरेंट्स, बच्चे, टीम, वेंडर्स. ये लोग वेंडर्स को भी थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरा ब्रांड बन पाया. ऑन द अदर हैंड फिलर रिंगिंग क्या है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, थैंक यू क्यों बोलें. नेवर से थैंक यू टू एनीबडी, नो अदर वेंडर्स, नो टीम, नो स्पाउस, नीदर टू पेरेंट्स, कभी किसी को थैंक यू नहीं बोलना, हम ही कर रहे हैं सब कुछ. नो ग्रैटिट्यूड. बट ऑन द अदर हैंड जो सक्सेसफुल होते हैं दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, मतलब दे शो ग्रैटिट्यूड, टीम ही करती है जी, मतलब कुछ करता ही नहीं. नो चेक योर फीवर, कहां स्टैंड करते हो आप. नाउ गिव योर सेल्फ मार्क्स फटाफट से, 10 में कितने मार्क्स हैं आपके इस इक्वेशन के ऊपर. ऑन दिस इक्वेशन हाउ मेनी मार्क्स विल यू गिव योर सेल्फ आउट ऑफ 10, जल्दी बताइए फटाफट. 3, 3, 6, 6, सारे बताइए फटाफट. 0, 5, 4, 6.5, मुरारका जी 6.5, आप भी आ गए. 0, 6, 8, वेरी गुड पंकज पंकल जी, 8, वेरी गुड रवि कुमार, ऑसम. एवरेज 4 से 6, 5. टेक अवे क्या है जी, पहला टेक अवे क्या है आज की मीटअप का, 10 in 1 year की सिंगल ओवर ऑसम. अभी का टेक अवे क्या है आपका, अभी का क्या करना है, पहला पॉइंट, पहला स्टेप क्या है आज का. यस, राइजिंग 5 AM. एक बात बताऊं, बार बार बोलता हूं क्लास के अंदर भी, यहां भी, कुछ भी मत करो मनोज जी, सिर्फ 5 AM कर लो भाई, सिर्फ 5 AM कर लो, कुछ भी मत करो. रंजीत डेलीगेट भी वहीं से निकलेगा, जो भी लिख लेगा निकलेगा 5 AM से. डेलीगेशन और ब्रांड बिल्डिंग और टीम हायरिंग और प्लानिंग, गोल प्लानिंग, 5 ईयर प्लान निकलेगा कहां से मनप्रीत, मनप्रीत कहां से निकलेगा, 5 AM. यस, निकलेगा 5 AM से, और कहीं से नहीं निकलेगा. वो कहते हैं ना, हाथी के पांव में सबका पांव, ऐसी कहावत है ना. 5 AM कर लो, बाकी सारी क्वालिटीज आ जाएंगी जो नहीं है अभी, 5 से सारी आ जाएंगी. अग्री और डिसअग्री. माय डियर गाइस, माय डियर चैंपियंस, माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे काम करता हूं, 12 से 5 बस, 12 से 5, 12:30 to 5:30, दैट्स इट. बट 5 AM पक्का है, 5 AM की वजह से मेरा जो
12 से 5 के अंदर काम है वो बड़े मक्खन से हो जाता है, मक्खन से हो जाता है। 5 इज मैंडेटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनीज फेल्ड इन 2021। अरे भाई कहां जा रही है, आपके सामने ये रही कंपनी फेल्ड इन 2021। 50 कंपनी जो बंद हो गई इंडिया में 2021 पिछले साल। पेपर टैप, दूध वाला, लोकल बनिया, टिनी टॉल, बाइट क्लब, डेजो, एक्स वाई जी, ये 50 कंपनियां हैं। सारे स्टार्टअप थे, जेबैंक भी बंद हो गया। देखो बहुत ऐड की, बहुत पैसा लगाया, बट बंद हो गए। क्या रीजन था जी, कौन बताएगा? क्या रीजन था, कौन बताएगा बंद क्यों हो गया? इन सब ने अपनी ब्रांडिंग पे पैसा लगाया था, पहले तो सुन लो सारे। नहीं, वो रीजन नहीं है फाइव वाला। आई डोंट नो कि वो रीजन है कि नहीं, आई डोंट नो कि फाइव उनका था या नहीं था, आई डोंट नो। बट एक बात पक्की है, एक बात पक्की है, लोग गलती क्या करते हैं, कंपनी को समझते हैं कि भैया पैसा लगा के मार्केटिंग कर देंगे तो ब्रांड बन जाएगा। ये सबने किया होगा, ये पक्का है, और यही गलती है। ओके चेतन, और यही पहली गलती और आखिरी गलती है कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैसा लगाने से, ब्रांडिंग मार्केटिंग में पैसा लगाना इज द सेकंड या फिर थर्ड स्टेप आफ्टर 3 to 5 years है वो तो काम भाई। पहले ब्रांडिंग के लिए पैसे इकट्ठा तो कर लो, ग्राउंड तो क्रिएट कर लो, ग्राउंड तो बना लो पहले। ब्रांडिंग पर मार्केटिंग के लिए पैसा लगाना इज आफ्टर 5 year प्रोजेक्ट है वो तो। यस, ये लोग पहले करते हैं कि भाई ब्रांडिंग कर लेंगे, मार्केटिंग कर लेंगे, और नहीं ऐसा नहीं, पहले तो ग्राउंड बनानी पड़ेगी। ग्राउंड कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर क्यों ले, आऊंगा उस पर, अभी आऊंगा उस पर। पॉइंट क्या है कि फाउंडेशंस क्लियर नहीं थे, फाउंडेशन क्लियर नहीं थे, और फर्स्ट दिन से लगा दिया पैसा मार्केटिंग ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग ब्रांडिंग पे। आपके सामने रीजन है, देखिए आप लिखा, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। पेपर टैप स्पेंड अ हेफी अमाउंट टू अक्वायर कस्टमर, देयर अनकंट्रोल्ड मार्केटिंग बजट, अनकंट्रोल्ड मार्केटिंग बजट वॉज द बिगेस्ट रीजन फॉर पेपर टैप टू डाई। द कंपनी वॉज लूजिंग मनी ऑन एवरी ऑर्डर ड्यू टू हैवी डिस्काउंट्स। बारीक पॉइंट है, डिस्काउंट देने से कस्टमर एक्वायर नहीं होता मेरे जनों, मेरे दोस्तों। डिस्काउंट देने से कस्टमर एक्वायर नहीं होता, इसका वो फायदा तो ले लेगा बट आपको कुछ नहीं मिलेगा एंड ऑफ द डे डिस्काउंट का। अगेन, ब्रांडिंग कर ली, मार्केटिंग कर ली, बट ग्राउंड क्लियर नहीं था। ऑन दिस ग्राउंड Let me ask you one thing. अगर हमने एथलीट बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमने बैडमिंटन प्लेयर करना पड़ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। मेरा ये मानना है कि अगर हमने कुछ भी बनना है या कुछ बनवाना है, जिसने वो अचीव किया है ना वो लेवल, उससे मिल लो और बात कर लो, उसको पढ़ लो। एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैंने बैडमिंटन प्लेयर बनना है, अगर मैंने पुलिस में जाना है, मैंने कोई एसीपी डीसी बनना है, प्रोसेस क्या है? पढ़ाई तो है ही है, बट जो एसीपी डीसी बन गया है उसको मिलना एक बार कि सर बताइए प्लीज क्या प्रोसेस मैं फॉलो करूं कि जो मैं आपने गलतियां की होंगी वो मैं नहीं करूं। यस, रोल मॉडल। अगर गाड़ी खराब हो गई है, ठीक करानी है, मैकेनिक ढूंढ रहा हूं,
क्या करूं, जिसने ठीक कराई है पहले उसे पूछ लेता हूं, भाई तुमने कहां से कराई है, बंदा दे दो मुझे कोई। अगर टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, पढ़ाई तो करनी ही करनी है, बट जो प्रोफेसर बन गया है उससे मिल लो एक बार यार, आसान तरीका है, खुद अपना कुआं खोदोगे और खुदेगा पता नहीं खुदेगा, जिसने कुआं खोदा था उसे बार मिल लो, कुआं कैसे खोदना है भाई, सामान कहां से मिलेगा इसका। अग्री डिसअग्री, बारीक पॉइंट है, दोबारा बताऊं, जो बंदा उस मुकाम को हासिल कर चुका है उसको मिल लो या पढ़ लो, या उसको पढ़ लो वो कैसे बना है, द इजिएस्ट वे टू बी देयर। कोठी में घर में करवाना था पेंट, पेंटर ढूंढना पड़ेगा, माल कहां से आएगा, अच्छा पेंटर कहां से आएगा, जिसने पड़ोसी ने पेंट अच्छा कराया उसे मिल लो, भाई तूने पेंट कहां से कराया, मैं भी करा लेता हूं, एज सिंपल एज दैट। इससे संत्री का क्या है, किसी को टेस्ट करोगे वो फेल हो जाएगा, दोबारा टेस्ट करोगे दोबारा फेल हो जाएगा, जो टेस्टेड एंड प्रूव्ड फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं ना, टेस्टेड एंड प्रूव फॉर्मूला, क्लियर है इतने बात, इतनी में क्लियर है जी, आगे चलें, परफेक्ट। तो हमने पढ़ा अमेज़न को कि अमेज़न का ब्रांड कैसे बना, अमेज़न ने बताया, जेफ ने बताया कि मैंने चार स्टेप अप्रोच लिया अपना ब्रांड बनाने के लिए, दिस फोर स्टेप अप्रोच। दोबारा बोल रहा हूं, जो कंपनियां फेल हुई थी आपकी फेल ना हो, जब आप इस लेटर पे जाओगे ब्रांड मेकिंग की, आपकी लेटर में जाओगे जब आपकी कंपनी फेल ना हो, उसके लिए ग्राउंड बननी जरूरी है, मार्केटिंग पे पैसा मत लगा देना, ब्रांड वैसे नहीं बनता, पैसा लगाने से शायद आपका प्रोडक्ट कुछ समय के लिए कुछ लोगों की नॉलेज में आ जाएगा, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, बट अगर आपने दोबारा मार्केटिंग नहीं की वो दोबारा घूम जाएगा। पेप्सी कोला को आज भी एड चलानी पड़ती है, क्यों, बिकॉज टू बी ऑन द टॉप ऑफ द माइंड, रिकॉल वैल्यू, लोग उनको याद रखें, आपका वो बजट नहीं है भाई, आप इतने पैसे नहीं लगा सकते मार्केटिंग के ऊपर, तो मार्केटिंग के लिए ब्रांडिंग के लिए एड मत चला देना कहीं पर। रिपीट करता हूं, एड चला भी दोगे कुछ लाखों रुपए की, इस पे उससे होगा क्या, आपका ब्रांड आपका नाम कुछ समय के लिए कुछ लोगों की नॉलेज में आ जाएगा, बस आपने एड बंद की और आप गुम गए, लोग आपको भूल गए। अग्री और डिसअग्री, हाउ मेनी ऑफ यू हैड गोन थ्रू दिस जर्नी, ऐसा हुआ आपके साथ, सो बार बार बोल रहा हूं कि ब्रांड जो है वो पैसे से नहीं बनता, वो बनता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से। आपके सामने चार हैं, अमेज़न की लॉन्ग टर्म थिंकिंग थी उसकी, एग्जांपल क्या है, अगर आम के पेड़ से अगर आम लेने हैं आज लगाओगे और 15 से 20 साल बाद आम आएगा, 15 से 20 साल बाद, हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म, जो आप करो उसमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग हो, जो आप करो, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, सर्विस बना रहे हो, टीम हायर कर रहे हो, फैक्ट्री ले रहे हो, मशीनरी ले रहे हो, जिस कस्टमर को माल बेच रहे हो, क्या वो लॉन्ग टर्म है, ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म इन योर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस। आपके जिस एक्शन का लॉन्ग टर्म रिजल्ट जीरो है, लॉन्ग टर्म ROI जीरो है, वो एक्शन नहीं करना, वो फेलियर है। आपने देखा होगा, सुना होगा आपने, वो एक आपके एक घुटने में दर्द हो गया, आजकल एक स्प्रे आता है, स्प्रे कर दो, उस वक्त के लिए दर्द खत्म हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, ये STLT है, ऑब्वियसली ST है, ठीक नहीं हुआ बट उसने सिर्फ सुन कर दिया उसको, लॉन्ग टर्म अप्रोच किया उसका इलाज।
ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म, ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। नई फैक्ट्री ले रहे हो, लॉन्ग टर्म सोचो, यहाँ लेबर आएगी नहीं आएगी, लाइट कैसे रहेगी, बिजली कैसे रहेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, मशीनरी आर्मी भी आ पाएगी नहीं आ पाएगी, लॉन्ग टर्म सोचो, डिलीवरी कैसे करूंगा यहां से। ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म इन योर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस। अगला पॉइंट कस्टमर फर्स्ट, अमेज़न का अगला पॉइंट कस्टमर फर्स्ट, दे ऑलवेज गिव द कस्टमर फर्स्ट प्रेफरेंस। एग्जाम्पल गो एन एक्स्ट्रा माइल, गो एन एक्स्ट्रा माइल फॉर द कस्टमर। हर कस्टमर डेल्टा नहीं होता, गामा नहीं होता। डो नॉट वेट एवरी कस्टमर इन वन तकड़ी, अल्फा भी होते हैं भाई। एग्जाम्पल देता हूं, एक सिंपल एग्जाम्पल है, कस्टमर आपकी रिटेल शॉप में आया, उसने कुछ भी लिया, आप कस्टमर को बाहर गेट तक छोड़ा है, दिस इज कॉल्ड वन एक्स्ट्रा माइल फॉर कस्टमर। क्या लगा आपका, बट आपने कस्टमर खरीद लिया हमेशा के लिए। होप फंडा क्लियर है, बारीक पॉइंट है। गो अ एक्स्ट्रा माइल फॉर योर कस्टमर, उसे जितने पैसे लेते हो, उसे जितने पैसे लेते हो अपने सर्विस के माल के, उसको एक्स्ट्रा सर्विस दो, एक्स्ट्रा क्वालिटी दो, कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा करो। एग्जाम्पल और एक और दूं, अपना एग्जाम्पल दे दूं, मैंने आपसे पैसे लिए पेमेंट रिकवरी फॉर्मूला गोल्ड कोर्स के लिए, अगर यू डिसएग्री, ये था कभी कोर्स में? यस नो, ये चैप्टर था ब्रांड मेकिंग कभी था? नहीं था, ऑब्वियसली नहीं था। मैं क्यों कर रहा हूं, गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल फॉर माई कस्टमर्स। इससे हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है चेतन, इससे होता क्या है? दिस क्रिएट्स रॉक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिटवीन यू एंड योर कस्टमर, कि भाई वो पैसों के लिए काम नहीं करता, वो वैल्यू के लिए काम करता है। Go an extra mile for your customer. Again, once again, हर कस्टमर को एक तकड़ी में मत तोलो, ये सारी डेल्टा होते हैं यार, हम ऐसा क्यों माल क्यों जाएं, सब बेकार होते हैं। नहीं, उसमें ही अल्फा है, और अल्फा को आपने अगर कर दिया तो अल्फा से और अल्फा के रेफरल्स आते हैं, रेफरल्स आते हैं। कस्टमर प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एक कहावत है, जापानीज बहुत ही बेकार है अपनी मार्केटिंग में, जापानीज को अपनी मार्केटिंग करनी नहीं आती, जापानीज को अपनी मार्केटिंग करनी नहीं आती, बट दे आर टॉप नॉच क्वालिटी इन द प्रोडक्ट्स, दे हैव टॉप नॉच क्वालिटीज जिसका कोई तोड़ ही नहीं है इन द प्रोडक्ट्स। जापान में बनी है, अच्छी होगी भाई, ले लो, ऐसे ही होता है। इसीलिए चेक योरसेल्फ, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कोई कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है, क्या वो प्रोडक्ट आप खुद अपने या अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं? अमेज़न ने यही बोला था कि मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा या बेचूंगा जो मैं खुद, सॉरी एप्पल ने बोला था, एप्पल ने बोला स्टीव जॉब्स ने, कि मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा जो मैं खुद अपने घर पे यूज कर सकता हूं, जो प्रोडक्ट जो किसी गिफ्ट करने में सोचना ना पड़े कि मैं क्या गिफ्ट कर रहा हूं, वो प्रोडक्ट। और आप बी टू बी में हैं, सोचिए इस बात को कि आप अगर अपनी कस्टमर की जगह होते, क्या आप अपना प्रोडक्ट से काम कर सकते थे, ले सकते थे? तो मेक वो प्रोडक्ट्स इनकी क्वालिटी टॉप नॉच हो। अगर आप हल्की क्वालिटी बनाते हैं और आप बोलते हैं यार मेरे पास डिमांड बहुत हल्के की है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। अगेन, हल्की क्वालिटी बनाना इज नॉट अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, नॉट अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। दिखाता हूं एक चीज और, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे ये रहा,
टॉप 20 इंडियन फूड कंपनीज 2021 कहां गई भाई? अरे यार आपकी स्क्रीन पे ये रही, ये पिंग नहीं हट रहा, हट जाएगा, हट गया। चलिए What is this? ये रहा नीचे यार, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, गोदरेज, टाटा, मैरिको, जुबिलेंट, वरुण, एमटीआर, इनमें से कौन सी कंपनी पार्ले एलटी फूड्स क्वालिटी हल्की बनाती है? नेम वन कंपनी। So what is common in these all companies? Ek is common kya hai? What is one thing common in these companies? Yes, they have systems in place. Inka koi bhi malik kaam nahi karta. टेल मी वन मालिक जो जाता हो फैक्ट्री में या दुकान पे माल बेचने के लिए या सप्लाई करने के लिए, वन मालिक नहीं करता। शायद आज से कुछ साल पहले किया होगा, जब शुरू किया होगा 70 साल पहले, जो आप अभी हो। बट अगर आपको यहां पहुंचना है, आपको आज से काम करना बंद करना पड़ेगा। यू हैव टू डेलीगेट एवरीथिंग, हाउ टू डेलीगेट एवरीथिंग। ये बेसिक ग्राउंड हैं राजीव, रंजीत, पुनीत, अभी, आनंद, अंकिल, आशीष, बाशीर, चेतन, दीपक, तीन लोग यहां बैठे हैं। यू हैव टू डेलीगेट एवरीथिंग, यू हैव टू हैव सिस्टम इन प्लेस इन योर बिजनेस। अभी जो हो गया, आगे के लिए यू हैव सिस्टम्स इन प्लेस इन योर बिजनेस। आगे चलते हैं, लास्ट फैक्टर क्या था उसका, अमेज़न का, ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अमेज़न हैव ऑल द प्रोडक्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। मतलब अगर किसी ने आज बुक खरीदनी हो किसी ने, और अमेज़न नहीं है, वो क्या करेगा? पहले तो जाएगा किसी बुक शॉप पे, ढूंढेगा बुक शॉप होती कहाँ है जहां से उसकी बुक मिल जाए। एक शॉप पे गया जो बुक उसको चाहिए थी वो मिली नहीं, दूसरी पे गया, चौथी पे गया, आठवीं पे बुक मिली, चार जगह जाना पड़ा स्कूटी से या बस से या टैक्सी से। जब बुक मिली, ले आए घर पे लाए, देखा क्या कि वो टेम्पर्ड है या कुछ मिसिंग है या चाहिए नहीं है, इम्प्रिंट है, सही तरह प्रिंट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? दोबारा जाना पड़ेगा बुक को वापस करने, चेंज कराने के लिए। तो एग्जांपल था ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी अमेज़न ने। बुक बाइंग अमेज़न सिंपल, मंगाओ, देखो, नहीं पसंद वापस कर दो, उसी टाइम वो लेने आएंगे, रिफंड ऑन द स्पॉट। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज में जो आप माल बेचते हैं या जैसे बेचते हैं, लिख लो जी, जो आप माल बेचते हैं, जैसे बेचते हैं या बेचने के बाद, अगर आपकी कंपनी में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं फॉलो होती तो मुश्किल है। देवेंद्र यादव कुछ शेयर करेंगे, क्या बना है आपका यूएसपी, हाथ खड़ा कीजिए। देवेंद्र
क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपने बनाई यूएसपी के अंदर? बोलिए। हेलो। यस सर, नमस्कार। नमस्कार। 23 ईयर रिपेयर और रिप्लेसमेंट वारंटी। पहले बताओ कि क्या प्रॉब्लम आती थी कस्टमर को, उसका फिर हल क्या निकाला आपने? सर लोग, लेट मी क्रिएट अ ग्राउंड फॉर ऑल ऑफ यू। देवेंद्र और हम, मैं बैठे एक टेबल पे लगभग 1.5 महीने के लिए और निकला इनका यूएसपी। निकली कैसे ये बताएंगे? क्या देवेंद्र बताओ, क्या प्रॉब्लम थी कस्टमर को, क्या यूएसपी निकली? सर जैसे कस्टमर माल ले लेता है किसी से भी, ले एक्स वाई जेड, तो उसमें उसको सर्विस नहीं मिलती, प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ को किसी भी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम तो आती हैं आफ्टर सेल। तो कस्टमर हमारी लाइन में था कि कस्टमर कोई 10 साल की गारंटी देता था, कोई 5 की, देन उसके बाद में भी कोई कॉल नहीं करते थे। तो हमने जो अभी निकाला सर के साथ, प्रॉब्लम क्या थी कि कस्टमर को गारंटी तो मिल जाती थी या गारंटी को देता नहीं था, गारंटी दे दी, फोन किया, बंदा फोन ही उठाता या फोन उठाता नहीं था, अगर उठा भी लिया, भाई साहब कल आऊंगा परसों आऊंगा, अगर आ भी गया सर इसका ये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो देवेंद्र की यूएसपी क्या बनी बताइए देवेंद्र? 23 ईयर्स रिप्लेसमेंट और रिपेयर गारंटी। 23 ईयर्स रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑन साइट, नो कॉस्ट वारंटी बना दी यूएसपी। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, उसकी प्रॉब्लम खत्म। अब वो आंख बंद करके देवेंद्र से माल ले सकता है। अगर आपके प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स मुश्किल है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। थैंक यू देवेंद्र, थैंक यू सो मच। सर किसी ने क्वेश्चन किया है कि क्या प्रोडक्ट है, तो यूपीवीसी डोर विंडोज मॉडुलर किचन एंड वार्डरोब। देवेंद्र का प्रोडक्ट है यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज। चलिए थैंक यू देवेंद्र, आगे चलते हैं। कुछ अमेज़न के कुछ फीचर्स हैं जो वो देता है, प्लीज इसको देखिए, शायद आपका कुछ दिमाग चले। अमेज़न ने वो 4 प्रिंसिपल्स पे काम किया और ये बेनिफिट्स दिए कस्टमर को, फ्री शिपिंग, फास्ट एंड सेम डे डिलीवरी, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, फ्री रिटर्न, इजी रिफंड, ऑर्डर ट्रैकिंग, शेड्यूल डिलीवरी, ह्यूज सिलेक्शन। इसकी वजह से जितने भी आज ऑनलाइन सेल्स दुनिया भर में होती हैं, दुनिया भर में, लेट मी शो यू, दुनिया भर में उसका 44% शेयर अमेज़न का है। लेट मी शो यू अमेज़न सेल्स फॉर 2021। गाइस थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसे। कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू रुपीस रंजीत सिंह जी? रंजीत, कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू रुपीस? 469 बिलियन डॉलर्स। क्या इसका रुपीस में आएगा जी फिगर? कैन यू कन्वर्ट? कैन एनीबडी कन्वर्ट दिस? कर रहे हो क्या? इससे पूछ लेते हैं, इन इंडियन रुपी। ₹16,200 करोड़, ये तो F1 F2 की है, नहीं इतनी नहीं है, कुछ ज्यादा आएगी। कितनी आई आप लोगों के पास? यस 32,83,00,000 करोड़। If Grant is not wrong, यही होगी मेरे ख्याल से। आई कैसे? सिर्फ और सिर्फ ये principles follow किए। ये वाले और ये वाले। Amazon ने बोला था कि अगर मैं ये सब कुछ देता हूं कस्टमर को, तो एक कस्टमर आमतौर पे मेरे बारे में 5 लोगों को बताएगा। उसका थॉट प्रोसेस था। बट आज जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आ गया है, तो अगर एक ये बेस्ट सर्विस देते हो कस्टमर को, तो एक कस्टमर लगभग 100 को बताता है। ब्रांड ऐसे बनता है। कंट्री डिलाइट ने सेम स्ट्रेटेजी अपनाई, पॉट रोकर्स ने सेम स्ट्रेटेजी अपनाई, पॉट रोकर्स ने।
बहुत पब्लिसिटी दे हैव मेड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एक बार किसी को देके देखो बेस्ट सर्विस। चलिए अब कुछ होमवर्क कर लेते हैं। अब मेरे पास मैंने इसको आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू टू पार्ट्स, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन खत्म होने वाला है मेरे ख्याल से, यस पार्ट वन खत्म होने वाला है। पार्ट वन आज करेंगे, पार्ट टू नेक्स्ट मीटअप में करेंगे। पार्ट वन के बाद आई विल टेक योर क्वेश्चंस, राइट। चलिए नोट कीजिए, सेवन पिलर्स ऑफ ब्रांड मेकिंग जो आज का टॉपिक था, ask yourself these seven questions. Question one, how will your product grab the customer's attention? Write three answers. आपका product कस्टमर की आंखें कैसे आपकी तरफ मुड़ेगा? आई नीड थ्री answers. आंसर वन, आंसर टू, आंसर थ्री। इसको एक क्वेश्चन को अभी कर लो, बाकियों को क्लास के बाद कर लेना। सबको याद है ढुलकिया जी की सिगरेट टाइप, याद है YH, भूलना मत वो YH लिख दो, ये याद है एम्प्लीमेंट राइट अवे वाली। परफेक्ट, तो एक क्वेश्चन का आंसर अभी लिखो और बाकी छह का आंसर क्लास के बाद लिखना। हाउ विल योर प्रोडक्ट विल ग्रैब्स योर कस्टमर अटेंशन, आपके कस्टमर की आंखें आपकी तरफ कैसे मुड़ेंगी, आप में क्या ऐसा खास है? राइट थ्री आंसर्स ऑन द चैट बॉक्स, फटाफट से लिखिए। प्राइसिंग क्या मयंक, ये बहुत ही जनरल आंसर है, बहुत ही वेग आंसर है। राइट इन नंबर्स जो मैं ट्रस्ट कर पाऊं। ऑनटाइम डिलीवरी क्या होती है रंजीत कुराड़े जी, लिखो डिलीवरी इन 7 आवर्स, दिस इज क्रिएटिंग यूनिकनेस। टॉप क्वालिटी क्या होती है मनप्रीत, कुछ नहीं होती, ऑलवेज गिव योर यूनिकनेस इन नंबर्स। एज देवेंद्र सेड, 23 साल वारंटी, और गिव योर यूनिकनेस इन नंबर्स। अट्रैक्टिव पैकिंग क्या होती है रंजीत जी, बताइए कौन सा पेपर लगाएंगे उस पैकिंग के अंदर, कौन सा बोर्ड लगाएंगे या कौन सा कुछ लगाएंगे। परफॉर्मेंस वीडियो हेमंत जी ने कुछ आंसर ठीक नहीं हुआ। क्या गारंटी सुरेंद्र सिंह जी, टाइप योर गारंटी इन नंबर्स और इन समथिंग जो मैं ट्रस्ट कर पाऊं। आप सब कुछ, अरे यार, गो नैरो फॉर योर यूनिकनेस। आप सब कुछ ऊपर ऊपर की बातें लिख रहे हो, हमारी क्वालिटी बेस्ट है, हमारी सर्विस बेस्ट है, हमारा प्राइस कम है, ये तीन बातों पे इंडियन कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि इन तीन पिलर बातों पे उसको बहुत झूठ बोला गया है पूरी इंडिया में, कई सालों से बोला गया। तो ये तीन बातों पे कि मेरी क्वालिटी बेस्ट है, मेरा सर्विस बेस्ट है, मेरा प्राइस सबसे कम है, ये तीन बातें झूठ निकलती हैं, इसलिए इन तीन बातों पे इंडियन कस्टमर अब ट्रस्ट नहीं करता। उसको चाहिए कुछ अलग, कि क्या क्वालिटी, क्या प्राइस, क्या सर्विस, गिव इन नंबर्स, गिव सम एग्जांपल्स, वो चाहिए। उन्हें दोबारा वही बात लिख रहे हो आप, व्हाट इज आवर सेल्स एंड सर्विसेज, वेरी गुड, ये अभी आपने ठीक लिखा है, कुछ कुछ ठीक है। एट्रेटिव बैगिंग क्या होती है मनोज जी, हेल्थ ठीक कैसे करोगे, एग्जांपल है कि आपकी हेल्थ ठीक कैसे होगी, कि आपका कभी शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं, दिस इज ल्यूकेरेटिव, दिस इज क्रिएटिव। देखो एग्जांपल लेते हैं मनोज जी का, मैं कॉपी कर लेता हूं उनको, एक मिनट, हेयर इज द मनोज जी एग्जांपल्स, उनका ऑयल का बिजनेस है, समय को देखिए। मनोज रुटन की भाई पैकेजिंग अट्रैक्टिव होगी मेरी, आई विल हेल्प इंप्रूव माई कस्टमर हेल्थ, आई विल हेल्प इंप्रूव हिज फूड टेस्ट।
इसको ना लिखना है हमने और नंबर्स में और क्रिएटिव लगे। मैं अपनी पैकेजिंग में एक्स प्रोडक्ट यूज करूंगा, स्टील या पेपर जो भी आप होता है आपका वो लिखिए इसमें, जिसका आपकी हमारे ऑयल पे बैड इफेक्ट नहीं कर पड़ता गर्मी में भी, अगर वो गर्म भी हो जाए तो वो बैड वाइब्स नहीं छोड़ता है। कुछ ऐसा लिखो जिसपे कस्टमर ट्रस्ट करे। सेकंड पॉइंट आपका आई विल हेल्प इम्प्रूव हिज हेल्थ, यहाँ लिखो कि मेरे ऑयल खाने से आपका शुगर लेवल 170 से ऊपर नहीं जाएगा, उसको ये बात सुननी है। आप इम्प्रूव हिज हेल्थ तो सारे बोल रहे हैं, सफोला भी बोल रहा है, आप में क्या खास बात है। लिखो भैया कि आपका बीपी या शुगर या जो भी आपका है इसमें वो इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, या जो भी आप बना सकते हो। गिव इन नंबर्स, ऑलवेज ऑलवेज गिव योर यूनिकनेस इन नंबर्स। थर्ड पॉइंट, इट विल हेल्प इंप्रूव इट फूड टेस्ट, इसको लिखो आप फूड टेस्ट। आप 5 की जगह 10 रोटी खाएंगे, इतना बढ़िया खाना बनेगा, ऐसे लिखो इसे। या फिर मनोज, कि जितना आपका ऑयल लगता है एक नॉर्मल सब्जी बनाने में उससे लगेगा 75%, ऐसा कुछ लिखो इसके अंदर, ये यूनिकनेस है। मनोज, गॉट माय पॉइंट? चलिए जी, उम्मीद है ये आपको पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है। क्वेश्चन 2, हाउ विल यू मेक योर कस्टमर लव योर प्रोडक्ट? 3 आंसर्स। व्हाट इज योर टारगेट मार्केट? 3 आंसर्स, मतलब यू कांट सेल टू एवरीबडी, पूरी दुनिया के पीछे मत भागो, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। सेलिंग टू एवरीबडी मीन्स सेलिंग टू नोबडी। एग्जाम्पल देता हूं, एक बंदे का केक बेचता था, केक, बर्थडे केक, अपने झोले में डाल के वो केक बेचता था। वो निकल गया मार्केट में केक बेचने के लिए, दुकानों पे जा रहा है, फैक्ट्रियों में जा रहा है, इधर जा रहा है, घरों में जा रहा है, बट किसी घर से ऑर्डर मिल रहा है और किसी से नहीं मिल रहा। आया समझ में किसी को? नहीं आया। ही इज एक्चुअली टारगेटिंग एवरीबडी, दुकानों पे, फैक्ट्रीज में, घरों में, मार्केट में, प्ले ग्राउंड में, हर जगह भाग रहा है कि मैंने अपना केक बेच रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है एंड ऑफ द डे? सबको टारगेट किया बट कहीं नहीं पहुंच पाए। उसको दिमाग में आया यार कि मैं जाता हूं मॉल्स के अंदर जहां बर्थडे पार्टीज हो रही होती हैं, ये आइडिया आया क्योंकि उसकी टारगेट ऑडियंस यहां पर है मॉल्स के बर्थडे पार्टी एरिया में। वो वहां गया, उसने वहां जाके अपनी केक और पेस्ट्रीज बेच दी सिंगल शॉट में। अब वो क्या कर रहा है, उसका एफर्ट लगता है 10% और सेल्स है 100 गुना या 100%। पहले एफर्ट था 100% और सेल्स थी 10%। उम्मीद है पॉइंट क्लियर होगा। टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करो, उसको शूट करो। डो नॉट फायर टू एवरीबडी, यू विल रीच नोबडी। क्लियर है जी? क्वेश्चन 4, हाउ विल यू रीच योर टारगेट ऑडियंस? क्या व्हीकल आपके पास है? ये व्हीकल कार वाला नहीं है, व्हीकल कुछ और है। आपके टारगेट ऑडियंस कहां पर हैं? उनको तक कैसे पहुंचोगे? वो एक, अगर वो फीमेल्स हैं तो कैसे पहुंचोगे उनकी तरफ? फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू एड्स दोगे या मार्केटिंग करोगे डोर टू डोर? कैसे पहुंचोगे? आपके ऑडियंस है कॉर्पोरेट में, वो कहां मिलते हैं? लिंक्डइन के ऊपर, सारे लिंक्डइन के ऊपर बैठे हैं, लिंक्डइन। तो हाउ विल यू रीच योर टारगेट ऑडियंस? डिफाइन द व्हीकल, कि आपके टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचने का व्हीकल क्या है आपके पास, कैसे पहुंचोगे? फिफ्थ एंड द फोरमोस्ट, व्हाट इज योर यूएसपी? आगे कवर्ड है, व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन? जरा पंखा चला दो यार, गर्मी लग रही है।
What is your unique selling proposition? Giving the reason why to buy from you and you only. Customer, आप ही से क्यों ले, आपके पड़ोसियों से या कॉम्पिटिशन से क्यों ना ले? It's called USP. Three answers चाहिए इसके. Question 6. What problem your product solve for your audience? What problem your product or service solves for your target audience? आपका product आपके कस्टमर की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? मेरे घर पे गर्मी बहुत है, इस ऑफिस में सॉल्यूशन क्या है? कमरे में गर्मी बहुत है, सॉल्यूशन क्या है? जल्दी बताइए. एसी सॉल्यूशन है, ठीक है, बट मुझे पैसे भी नहीं खर्चने. नहीं यार, ये याद कर रही है फैन. सॉल्यूशन है एसी वो जिसका बिल आता है कूलर जितना. सॉल्यूशन तो ये है, सॉल्यूशन तो ये था. मैं जब बात करता हूं आपसे तो ये बार बार गिर जाता है ऐसे. ये प्रॉब्लम है. सॉल्यूशन क्या है कि ले आओ बिना वायर वाला, ये सॉल्यूशन है. ले आओ एयरपोर्ट्स, ले आओ, सॉल्यूशन है. व्हाट प्रॉब्लम योर प्रोडक्ट सॉल्व्स फॉर योर ऑडियंस, इसको ऐसे बोलते हैं. आपका माल लेते समय, लेने से पहले और लेने के बाद कस्टमर को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व कर दो. आपका सर्विस या माल लेने से पहले, लेते समय या लेने के बाद कस्टमर को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व कर दो. क्वेश्चन 7. व्हाट आर योर टॉप 5 इंग्रेडिएंट्स फॉर योर प्रोडक्ट्स? आपके प्रोडक्ट में 5 टॉप कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं? एग्जांपल, एक वेबसाइट है zappoboost.com, बाहर की है. मैं इसकी रिसर्च कर रहा था ब्रांड मेकिंग की, तो मेरे सामने ये वाली वेबसाइट आई. क्या लिखा था वेबसाइट की बारे में? इजी ऑर्डरिंग, फैंटास्टिक आफ्टर सेल सर्विस, इजी रिटर्न्स, फास्ट डिलीवरी, इजी एंड सिंपल पेमेंट टर्म्स. इसकी वजह से ये वेबसाइट टॉप पर थी. आपके प्रोडक्ट में टॉप 5 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? गिव योर आंसर 5 इंग्रेडिएंट्स. तो ये वो 7 क्वेश्चन हैं. इस 7 क्वेश्चन का आंसर देते ही आपकी ब्रांड रेडी टू फ्लाई. इस 7 क्वेश्चंस का आंसर देते ही आपकी ब्रांड रेडी टू फ्लाई. और ये इतनी आसान नहीं है, इसके लिए काम करना पड़ेगा. और काम करना पड़ेगा कैसे? 5 M's. अब मैं आपको दूंगा कुछ महामंत्र. पार्ट 1 ही क्लोज करते हैं. पार्ट 2 को नेक्स्ट मीटअप में लेंगे. बहुत कुछ बचा है मेरे पास अभी देने के लिए. अगर आज करूंगा तो बहुत देर लग जाएगी. सो एक पॉइंट ले रहा हूं मैं आज, आपके सामने. क्या रिपीट करना है देवेंद्र? समझ नहीं आई सेकंड वाला? समझ नहीं आया, एक बार दोबारा से रिपीट कर दो, उसका मतलब क्या था सेकंड क्वेश्चन? हाँ जी. एक थ्री रीजंस कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से मोहब्बत कैसे करेगा. थ्री रीजंस कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से या आपसे या आपकी सर्विस से मोहब्बत में कैसे पड़ेगा. इसका आंसर है मेकिंग योर लॉयल कस्टमर्स. कैसे बनते हैं लॉयल कस्टमर, किसी को पता है? हाउ टू मेक लॉयल कस्टमर्स? मैंने पहले बताया आप लोगों को ये सर, हाउ टू मेक लॉयल कस्टमर्स. अभी तो बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले. नहीं,
यस यस हेमंत जैन, यस मनोज, गो एन एक्स्ट्रा माइल, दैट्स इट। मेरी क्लास थी फ्राइडे को, फ्राइडे को क्लास थी, उस क्लास में 5-6 बच्चे एब्सेंट थे, 5-6 लोग एब्सेंट थे। मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे मैंने जो एब्सेंट थे उनको खुद ने, मैंने खुद ने उनको डाला व्हाट्सएप कि आप एब्सेंट क्यों थे, आप एब्सेंट क्यों थे। मुझे रिवर्ट बैक आया तवलीन कौर का, कौन बोल रहे जी? अगर जी रोशनी बोल रहा हूँ जी। सर ये व्हाट्सएप आपने डाला था? मैं डाला था, पर्सनल डाला था ना, पर्सनल डाला था। थैंक यू सर, मैं आगे से कभी एब्सेंट नहीं होंगी सर। दिस वॉज द रिस्पॉन्स ऑफ तवलीन कौर। इसका मतलब क्या है मनोज जी? शो केयर फॉर योर कस्टमर्स। एक पॉइंट था मैं भूल गया बताना उसके बारे में, ये रहा, शो केयर फॉर योर कस्टमर्स, गो फॉर द एवरेज सेल्स वैल्यू फॉर योर कस्टमर। सो शो एक्स्ट्रा केयर फॉर योर कस्टमर। एक कस्टमर की एवरेज सेल्स वैल्यू पता है क्या होती है? अरबों रुपया, अरबों रुपया। एग्जाम्पल देता हूं, एक कस्टमर से आप काम करते हो, वो आपको देता है सेल्स एक महीने में 5 लाख रुपए की एवरेज। वो कस्टमर है साल का 60 लाख रुपए का। अब वो कस्टमर ने कितने साल आपसे काम करना है अगर आप उसको केयर करते रहो तो? एवरेज 20-25 साल, उसकी लाइफ इतनी होगी, लाइफ स्पैन इतना होता है। तो 20-25 साल गुना 60 लाख इंटू समथिंग करोड़, उसके आगे बच्चे आएंगे, उसके आगे बच्चे, और वो कस्टमर अगर आप केयरिंग है उसके लिए, वर्ल्ड क्लास सर्विस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं, तो कितने लोगों को और बताएगा आपके बारे में भाई? दिस इज कॉल्ड मैपिंग द एवरेज सेल्स वैल्यू ऑफ अ कस्टमर, जो करोड़ों में होती है, करोड़ों में होती है। Do not go for one transaction की भैया तो ये इतने कस्टमर है बस यार, साल के इतने कस्टमर है, नहीं। If you are caring towards your customer, वही कस्टमर आपको लाखों की सेल दे सकता है, करोड़ों रुपए की अपने लाइफ टाइम में। ऑलवेज लुक फॉर एवरेज सेल्स वैल्यू फॉर योर कस्टमर। और ये होगा कैसे, होगा कैसे? गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल फॉर योर कस्टमर। चलिए जी, अब मैं आपको दे रहा हूं एक महामंत्र, द डैडी ऑफ ऑल मंत्रस। चलिए, अब जो आपने आज सीख लिया है, नो लेट मी नो, आई होप कि आपको वो इंजेक्शन इंजेक्ट हो गया है कि ब्रांड बनाना शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। यस नो, ब्रांड टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाना, एसटी और एलटी, प्लीज टाइप ऑल ऑफ यू एसटी एंड एलटी। यस, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, ये कहावत है कि रोम एक रात में नहीं बना था, नहीं बन सकता ब्रांड एक रात में, बनाना भी मत। और सबसे बड़ी गलती मत करना, डू नॉट एवर एवर नेवर एवर स्पेंड योर मनी ऑन मार्केटिंग और ब्रांडिंग, कभी मत करना, नहीं तो खर्च हो जाओगे और कुछ भी नहीं हासिल आएगा। दोबारा बोल रहा हूं, मार्केटिंग पे पैसा लगा के ब्रांडिंग करने में, मार्केटिंग पे एड चला के, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, मार्केटिंग पे पैसा लगा के ब्रांडिंग करने में आपका ब्रांड कुछ समय के लिए कुछ लोगों की जानकारी में आता है सिर्फ। आपने एड बंद की और आप भूले, आप भुलाए गए, आपको भुला दिया गया। तो
get into the lives of your customers, get into the nerves of your customer by giving them extra mile service. चलिए अब महामंत्र आज का आपके सामने एक तो पहले ही समझ लीजिए मेरे लिए ऑफिस में लगी हुई यहां पर पीछे ये ना ये लगी मैंने इसकी फोटो आधी खींची है अभी आपको दिखाने के लिए एवरीवन हु इज इन द टॉप 10% ऑफिस और हर फील्ड स्टार्टेड विद द बॉटम 10%. ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है. एवरीवन हु इज डूइंग वेल टुडे वाज वंस डूइंग पुअरली. इसका मतलब क्या है रंजीत जी, कुछ बताएंगे आप जरा माइक पे हाथ खड़ा कीजिए. पुनीत आप बताइए क्या मतलब है इसका. एवरीवन हु इज डूइंग वेल टुडे वाज डूइंग पुअरली वंस. लास्ट एवरीवन हु इज इन द फ्रंट ऑफ द बफे लाइन टुडे. जब लाइफ शुरू की थी उसने तो वो बैक पे था. He has touched failures, now he is successful. और एंड आपका फर्स्ट वन जो दिया आपने 10% ऑफ हिज फील्ड मींस ही आई वांट अ क्लियर आंसर. रंजीत एनीबॉडी कैन गिव दिस आंसर रेज हैंड. यस रंजीत कुराडे जी, मयंक गर्ग, मनप्रीत सिंह तो बताइए प्लीज. सर वन बाय वन तो बॉटम से करना पड़ेगा. सर इसका मतलब आई वांट अ क्लियर पॉइंट शूटर आंसर. सर इसका मतलब है सर बोलू सर. हाँ बोलो बोलो. सर जैसे सर आज जो बेस्ट है सर उसने एक टाइम पर शुरुआत की थी सर, सीखने से शुरुआत की थी. ठीक है और यस मायसेल्फ आज ये हमारा कुछ थॉट है. ओके सो इट वाज आइडिया फॉर पहले ये आइडिया था. बिल्कुल ठीक है और कोई हर चीज सही से. हेलो प्रति है या कैन. हाँ बोलो 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 ए वन बाय वन बोलो. कैन आई स्पीक. यस प्लीज स्पीक. हिम्मत शुरुआत में सब लल्लू होते हैं. एवरीबॉडी स्टार्ट्स विद अ जीरो. वेरी गुड. सो लेट मी आंसर. हेलो बोलिए. सर जो हरा भरा पेड़ आज देख रहे हैं उसकी शुरुआत एक बीज से हुई थी जिसने अपने काफी सैक्रिफाइसेस करके अपने आप को उसने एक्सप्लोर किया. वेरी गुड. सैक्रिफाइसेस किए हैं उसके बाद में जो है वो विफलताएं और अंधेरा देखने के बाद भी आज उजाले में आया है. वेरी गुड. वेरी गुड आंसर. जितने डीप रूट जाएंगी उतनी बड़ी ग्रोथ होगी सर उसकी. वेरी गुड आंसर जी. रंजीत सिंह जी आपका क्या आंसर है. हर चीज सही से सही थाली में नहीं मिलती. आपके लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है तभी जाके किसी मुकाम पर पहुंचते हैं. चलो आई लव यू ऑल. आप सारे सही बोल रहे थे. द आंसर आई वाज लुकिंग वाज दैट कि जहां पर आज आपकी टॉप इंडस्ट्री का बंदा बैठा है जिसको आप जिसे आप इन्फ्लुएंस हो कभी वो आप था जहां पर आज आप हो या आपसे भी नीचे था. आज जहां पर आपके इंडस्ट्री के टॉप का बंदा बैठा है जिसको आप कॉपी इन्फ्लुएंस हो जिससे वो कभी वो आपसे भी नीचे था. ट्रस्ट मी. देख लो उससे पूछ के. चाहे अंबानी जी हैं, टाटा जी हैं, बिरला जी हैं, धोनी जी हैं, तेंदुलकर हैं, कोई भी हैं, ढोलकिया जी, मोदी जी, कोई भी हैं यार, वो कभी आपसे भी नीचे थे जहां पर आप हैं अभी. थैंक टू गॉड कि हम यहां पर तो हैं. इसका मतलब क्या है. दिस इज इंप्लीमेंटेबल अचीवेबल. ये आप भी कर सकते हो भाई. एज सिंपल एज दैट. उसके महामंत्र क्या है जी आपके सामने ये रहे. 4 महामंत्र फॉर अचीविंग दिस. हायर पीपल जो आपसे ज्यादा समझदार हो. नंबर 1 लिख लो. ये आज की नटशेल है जी.
और कुछ आज समझ आया या नहीं आया ये समझ लो सर। हायर पीपल जो आपसे ज्यादा समझदार हो, सैलरी फालतू दो 5,000, वो आपको काम करेंगे 50,000 का एक्स्ट्रा। दूसरा पॉइंट, 5 ईयर मैंडेटरी है, 5 ईयर मैंडेटरी, इसको पहले कर देते हैं यार, फर्स्ट पॉइंट कर देते हैं इसको, रुको, इसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं किसी की, 5 ईयर के बिना। 5 ईयर मैंडेटरी है जी, इसके बिना कुछ भी अचीव नहीं होगा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। सेकंड, हायर पीपल जो आपसे समझदार हो। थर्ड, परमेश्वर को टाइम दो। स्पिरिचुअल अगर हो आप तो उसके लिए टाइम निकालो। सुबह जो मेरा जो मेरे हैं उनको पता है कोर्स में कि पहले 15 मिनट आपने अल्लाह को, गॉड को, वाहेगुरु को याद करना है, उनका नाम जपना है, उनको जपना ही जपना है, उनके बगैर गाड़ी आगे मत चलाना है मेरे रोज की। बिना उनको याद किए अपनी गाड़ी ऑन मत करना सोचने की, क्रिएशन की। उठते सार स्नान करके, और एक एक इसमें एक एक ट्रिक था, जो लोग 5 AM करेंगे उन्होंने जो स्नान बात करना है वो बालों के समेत करना है, ध्यान रखना, चाहे वो सिख हैं, हिंदू हैं, कुछ भी हैं, आप लोगों ने पूरी अच्छी तरह खुला पानी डालना है बालों में, खुला पानी, बिना बाल धोए एक बार कर लेना, एक बार बाल धोके कर लेना, जमीन आसमान का फर्क है क्रिएशन का, रिजल्ट का, जमीन आसमान का। तो 5 AM जिन लोगों को अभी क्वेश्चन है कि 5 AM करना क्या है, 5 AM क्लब का पहला वीडियो पड़ा हुआ है टीचेबल पे, वहां देख लो 2 घंटे का, एल्स आई विल शेयर यूट्यूब में, आपको मैं ग्रुप पे दे दूंगा मैं आजकल में अभी को बोल के। सेकंड, हायर पीपल जो आप ज्यादा समझदार हो। थर्ड, गॉड टाइम। फोर्थ, फैमिली टाइम, जिसके लिए भाग रहे उसके लिए टाइम। अब ये लंबा पॉइंट है, मैं खोलूंगा नहीं इसको, मैं तो आधा घंटा ले जाएगा ये। जिसके लिए भाग रहे हो, बच्चे, स्पाउस, पेरेंट्स, हेल्थ, अपने लिए, उसके लिए टाइम तो निकालो भाई। अपनी पूछो अपनी बच्चों से, फैमिली, फाइव से, स्पाउस से, पेरेंट्स से, क्या चाहिए, पैसा भेज दूं या मैं आऊं, तो क्या बोलेंगे, आप आ जाओ, पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी, लगभग आप लोग सारे 90% जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, अगर आप आज अपनी एसेट्स बेच के डाल दो ना बैंक के अंदर, उसका इंटरेस्ट खाओ, आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बट आप लोग करते नहीं हो, कीड़ा आप में, कमाने का कमाओ, बट फैमिली को टाइम दो, इसके लिए काम कर रहे उसको टाइम, खेलो बच्चों के साथ, लूडो, कैरम बोर्ड, पकड़न पकड़ाई। मैं और मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम रोज रात को पिलो फाइट खेलते हैं, पिलो फाइट, पिलो जब हम एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, बहुत खुश होते हैं मेरे बच्चे, बहुत ही खुश होते हैं। खेलो उनके साथ यार, किसके लिए पैसा कमा रहे हो, भाग रहे हो किसके लिए, कहां तक भाग लोगे, कितना कमा लोगे। लंबा टॉपिक है, कभी वाइफ से बात की है 2 घंटे बैठ के अकेले में बिना मोबाइल के, सिर्फ आप और वाइफ, मुश्किल है। हाँ की है जी, जा रहे थे हरिद्वार, गाड़ी में की थी, नहीं वो नहीं चाहिए, आप, वाइफ और बस, और कोई नहीं, और बैठ के। सिर्फ 15 मिनट दे दो वाइफ को रोज के, बातों में बात कर लो उससे, वो खुश हो जाएगी उतने, सिर्फ 15 मिनट दे दो, आज से ही दे दो, ओनली 15 मिनट्स। मेरी बात मानोगे इतनी सी, डू यू ट्रस्ट मी ऑन दिस, तो बात मान लो, सिर्फ 15 मिनट वाइफ के लिए आज से, आप वो और फिर बातें, उसके पैर दबा दिया करो थोड़े से यार, थकी होती सारा दिन की, वो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, दबा दिया करो, मैं दबाता हूं, खुश हो जाती है। उसको क्या चाहिए, आपसे पैसा चाहिए उसको, आपको नहीं चाहिए, वो उसको आप चाहिए, किसके लिए भाग रहे हैं। अग्री ऑन दिस, टाइप 15 मिनट, स्पाउस, वाइफ, 15 मिनट W, सारे करो आज ही करना, और बताना रिजल्ट क्या आया कल,
वो खुश हो जाएगी, यार आज कहाँ से मिलके आए हो, किससे मिलके आए हो जी, आज कुछ अलग अलग हो, आज सूर्य कहाँ से निकला है जी, बोलेगी आपको वो। चलो फोर महामंत्र थे, 5 AM हायर पीपल जो आपसे ज्यादा समझदार हो, गॉड टाइम, फैमिली टाइम, उसके बाद द्रो ब्रह्मास्त्र लास्ट चाहिए, उसके छुट्टी करेंगे। दो ब्रह्मास्त्र ये लेते ही काम शुरू हो जाएगा आपका आज से, अभी से दो ब्रह्मास्त्र। इससे पहले आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज फिल दिस फीडबैक फॉर्म। इस फॉर्म में मैंने आपको कुछ सवाल पूछे हैं, मैं फॉर्म खोल देता हूं, रिक्वेस्ट टू एवरीबडी टू फिल दिस फॉर्म। जो फॉर्म नहीं भरेगा मैं उसको रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा। इस फॉर्म में क्या है, आई शो यू मेरी आज की ट्रेनिंग कैसे लगी। एक कोई चीज जो आपने आज की डिसलाइक की हो, जो आपको पसंद ना आई हो, मुझे बताओ प्लीज, आई विल इंप्रूव दैट। ये रहा वो फॉर्म, ये रहा आपका नाम, मोबाइल नंबर, बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट टुडेस मीटअप, व्हाट कुड बी डन बेटर, कि मैंने आज कुछ गड़बड़ की जो अच्छा हो सकता था, वन थिंग यू डिसलाइक द मोस्ट, एक चीज जो आपको बहुत बुरी लगी आज की, ये बहुत जरूरी है, अपने कस्टमर से पूछ लिया करो। इस लाइन से करेक्शन आएगी, इस ओनली लाइन से आपकी कंपनी बढ़ेगी, इस लाइन से। उसके बाद मेरा क्वांटम सेल्स प्रीमियम प्रोग्राम शुरू हो रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं यस या नो कीजिए। अगर आप मेरी कम्युनिटी में नहीं है या आपने पेमेंट रिकवरी गोल्ड लेवल नहीं लिया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यस, नहीं तो नो कीजिए। बस ये 5 सवाल हैं, भरिए और मेरे पास फटाफट आइए। आई टेल यू 2 ब्रह्मास्त्र अभी के अभी दूंगा, दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरीबडी। जो लोग इस फॉर्म को भर देंगे दे विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस मीटअप ऑन देयर मोबाइल्स, ऑन देयर ईमेल्स, एल्स नहीं मिलेगी। If you want to thank me, please fill this form. This is your gift to me. This is your gift to me. जो लोग गोल्ड लेवल में हैं, उनके लिए जरूरत नहीं है गोल्ड लेवल की, वो तो कर चुकी है, फिर भी फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म सबने भरना है। लिंक अगेन, please type done when done, I'm giving you 5 minutes, please type done when done। Bashir itni jaldi kar diya, check karun, बशीर का आ गया, विक्रांत का आ गया, निखिल का आ गया, पंकज का आ गया। लेट मी अच्छे से भरना जी, इसमें काटे कूटे ना मारना जी, प्लीज फिल दिस फॉर्म रिस्पेक्टफुली। इसमें मछिया मत, मच्छर मत मार देना, मच्छर मत मार देना, कुछ भी टाइप कर दिया। कुछ लोग अपना नाम नहीं लिख रहे इसके अंदर, राहुल, मयंक, अभी सिर्फ मेरे पास 12 ही आए हैं, 12 आए हैं अभी, एंड वी हैव 52 पीपल सिटिंग इन दिस रूम। पिंटू जी, लेट मी शो यू, आई विल शो यू रियल टाइम कितने आ गए, देखो 22 आ गए, देखो 22 आगे, देखो 22 रिस्पॉन्सेस, वेटिंग फॉर नेक्स्ट 30, फटाफट दीजिए जी। वन रिक्वेस्ट है कि आज मतलब आपको क्या चीज पसंद नहीं आई वो जरूर लिखिएगा। अपनी खामियां समझने से आपकी कंपनी ग्रो करती है, आपकी गैप्स फिल होते हैं,
आपके गैप्स फिल होते हैं। एग्जांपल देता हूं आपको, 6 महीने पहले मैं करता था वेबिनार संडे को फ्री में किया, 200-300 लोग आए, फिर लास्ट में अपना कोर्स उनको प्रेजेंट किया, उन्हें एनरोल किया। फिर मैंने देखा कि यार कुछ लोग ऐसे आते हैं मजे लेके चले जाते हैं, मैंने अपनी कोर्स की फीस रखी 350 रुपए अपने उस वेबिनार की, आपने दी होगी 350 रख दी। व्हेन आई पुट द फीस ऑफ 350, मैंने वेबिनार किया, और हम क्या करते हैं आफ्टर ईच वेबिनार वी गेट द फीडबैक कि आपको क्या चीज बुरी लगी कल की, ओनली वन क्वेश्चन, क्या चीज कल अच्छी नहीं थी वेबिनार में, हम ये सिर्फ ये पूछते हैं। एक बंदे ने बताया कि सर आप जो फ्री में कंटेंट देते थे 6 महीने पहले, मैंने तब भी अटेंड किया था, मैंने आज भी किया है, कंटेंट तो सेम है, 350 रुपए किस बात के ले रहे हैं आप? यार बात तो ठीक है, यार बात तो ठीक है। What he said कि भैया सर content same है, why are charging 50 rupees for the same content? यार बात ठीक कह रहे हैं। That single feedback वो negative था, मुझे दर्द हुआ, but that single feedback shifted my whole content and strategy. मैंने content add किया 350 वाले webinar में, और add करते ही मेरा conversion बढ़ गया। यार कमाल ही हो गई यार ये तो। So again दोबारा बोल रहा हूँ, नेगेटिव फीडबैक्स आर बेस्ट फॉर योर बिजनेस, लिख लो इसे, लिया करो कस्टमर से फोन करके, सर एक चीज जो आपको हमारे पसंद नहीं आती, हमारी बहुत बुरी लगती है आपको, प्लीज बताइए, मैंने इसको कवर करना था, मैं अगले इसको कवर करूंगा, आज बहुत टाइम हो गया, आई कवर दिस इन द नेक्स्ट मीटअप। सो गाइस 31 आए हैं, लगता है और लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्लोज करते हैं इसको। चलिए कुछ लोग हैं जो अभी भी फ्री में लेते हैं ज्ञान की, भाई ज्ञान ले लें बस और फिर अपने घर अपने घर, ऐसे ब्रांड बनेगा नहीं जी। एक फॉर्म ही तो भरना था सिर्फ, आप लोगों ने भरा नहीं, जिन्होंने अटेंड किया प्लीज इसको भर दीजिएगा। राजन जी कैन यू शेयर ऑन माइक, क्या बोल रहे हैं आप? राजन इज माई फेवरेट स्टूडेंट ऑफ मार्च बैच। Can you share on mic for 1 minute? क्या आपका feedback है course के बारे में? Project के बारे में? सर आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। राजन हमारा student है मार्च बैच का। जिन लोगों ने payment recovery gold level अभी तक नहीं किया, उनके लिए कुछ words राजन की तरफ से। Yes राजन, ये मेरी sales हो रही है। सर ये course आप जो दे रहे हो ना बहुत सस्ता दे रहे हो। अच्छा। ये value इतनी high है, अगर मैं सारे courses को मिलाऊं ना बहुत ज्यादा उसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इस कोर्स से मुझे जो बेनिफिट मिला है सर वो मार्वलस है, लाइफ चेंज हो गई है बस, बट मेरे साथ साथ मेरी फैमिली की भी चेंज होने लग गई, वो भी सुबह जल्दी उठने लग गए। थैंक यू राजन, राजन वाज माय फेवरेट स्टूडेंट इन मार्च बैच। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑसम फीडबैक। थैंक यू। चलिए जी अब बारी है ब्रह्मास्त्र की, जो है लास्ट का हमारे अस्त्र, दो देरों में आपको फटाफट से कहां गए, ये रहे ब्रह्मास्त्र आपके सामने, ये रहा। फर्स्ट, इन्वेस्ट 1 आवर एवरी डे ऑन योर गोल ऑन योर ब्रांड। जो आज सीखा है इन्वेस्ट 1 आवर एवरी डे। और पॉसिबल कैसे है, अगर आप 5 बजे उठ पाओगे तो, ऑफिस टाइम में जाओगे उठोगे, This is impossible to invest any extra hour on your goals. कभी भी goals के ऊपर investment office hours में possible है ही नहीं। आपको मैं screen नहीं आ रही, मैं क्या screen दिखाता हूँ आपको, ये इसका ब्रह्मास्त्र आपके सामने। Invest 1 hour every day on your goal, on your brand, on your creation. Possible कैसे है, 5 AM से। अगर 5 AM नहीं करोगे, ऑफिस पहुंचने के बाद गोल पे 1 घंटा इन्वेस्ट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सेकंड, हायर अ पर्सनल कोच फॉर योर बिजनेस, इसको बोलते हैं हायरिंग अ मेंटर फॉर यू। जितने भी अल्ट्रा सुपर अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं उनके एक नहीं 10-10 कोच होते हैं, उनके पर्सनल 10-10 कोच।
हेल्थ कोच, फाइनेंस कोच, पर्सनल कोच, बिजनेस कोच, सेल्स कोच, मार्केटिंग कोच, फाइनेंस कोच, कैश कोच, प्रॉफिट कोच, बहुत से कोचेस इनके अंदर, बहुत सी होती है, रिलेशनशिप कोच, आप सबनी को सबनी करना है आपने आपने यू हैव टू हायर, यू हैव टू स्टार्ट विद फर्स्ट, हायर द फर्स्ट कोच फॉर योर बिजनेस। पर्सनल कोच मैं नहीं, मैं करता नहीं हूं, आई डोंट नॉट डू दिस, कोई और करो जो आपके साथ बैठे हर हफ्ते सामने आमने टेबल के ऊपर और आपसे पूछे कि हाँ बताओ जी क्या किया लास्ट वीक में, जिसको आप अकाउंटेबल होगे, जिसको आप जवाब दोगे, जो आपको हर हफ्ते अगले हफ्ते का काम देखे जाएगा ग्रोथ का और पिछले हफ्ते की रिपोर्ट लेगा आपसे। यू नीड वन डंडा, नीड वन डंडा, और डंडा सिर्फ कोच होता है और कोई नहीं होता, सिर्फ कोच होता है। हायर अ पर्सनल कोच फॉर योर बिजनेस इफ यू ग्रो मल्टीपल टाइम्स इन योर लाइफ, मल्टीपल टाइम्स। This coach will show you the path to success. इसका हाथ पकड़े बगैर आपका आगे जाना impossible है। जैसे धार्मिक दुनिया में अगर कुछ प्राप्ति चाहिए हो तो गुरु चाहिए होता है, वैसे ही संसारी या बिजनेस की दुनिया में अगर कुछ सक्सेस चाहिए तो गुरु चाहिए, पर्सनल गुरु। दोबारा बोल रहा हूं, ऑनलाइन वाला नहीं, मेरी ऐसा नहीं, जो आपका हैंड होल्ड करे, हैंड होल्ड करे और आपको लेके जाए आगे, आपके सामने बैठे हर हफ्ते फिजिकली टेबल के ऊपर, आप और वो बस, जिसको आप रिपोर्ट दोगे पूरे हफ्ते की और उसे अगले हफ्ते का काम लोगे उससे। ये दो चीजों से अगर आपकी कंपनी ब्रांड एक साल में नहीं बननी शुरू हुई तो आपकी शूज और मेरा सर मारना आराम से, तो उसी मत मारना। चलिए जो कम्युनिटी में हैं और मेरे से अभी तक मीटिंग नहीं हुई है, अगर आप दिल्ली में हैं मुझे फिजिकली मिलिए, दिल्ली से बाहर हैं ऑनलाइन मिलिए, आपके लिए मीटिंग फ्री है। जो लोग कम्युनिटी में नहीं है लेकिन ऑल्सो फिक्स है मीटिंग विद मी, उनके लिए फ्री नहीं होगी, उनके लिए फी देनी पड़ेगी, उनको नंबर आपके सामने है। चले आगे जी, चले आगे, टाइप मूव फॉरवर्ड। चलिए, जो लोग अपनी इंडस्ट्री में मुझसे एक सेमिनार कराना चाहते हैं, दोबारा बोलता हूं, जो अगर आपकी कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके लिए आके वहां आके बोलूं या लाइव या ऑनलाइन, प्लीज सेंड योर नेम एंड नंबर इन द चैट बॉक्स। मैं मुंबई में जा रहा हूं अभी ऐसे कोचिंग के लिए, एक और मेरा ऐसा हो रहा है, वन डे वेबिनार कर रहा हूं मैं, वन डे वेबिनार। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपके पास 500-700 लोग, 1000 लोग हैं आपकी इंडस्ट्री में, एसोसिएशन में, उनको कोचिंग चाहिए ब्रांड मेकिंग पे, सेल्स में, पेमेंट रिकवरी पे, और मैं आके बोलूं उनके लिए, यू कैन, वो फ्री भी होता है और पेड भी, दोनों होते हैं उसके अंदर। ऑनलाइन फ्री है, जाऊंगा तो पेड होगा। गिव योर नेम एंड नंबर इन द चैट बॉक्स, हरप्रीत विल कॉन्टैक्ट यू। कंडीशन एक ही है कि मिनिमम 200 मेंबर होने चाहिए, 200 मेंबर मिनिमम, 200 से कम ना हो, आप एसोसिएशन में 200 मेंबर कम से कम होने चाहिए। गिव योर नेम एंड नंबर इन द चैट बॉक्स। चलिए जी, क्वेश्चन प्लीज। लेट मी डाउन ऑल द हैंड्स। यस, क्वेश्चन प्लीज, आई विल टेक 5 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है किसी का या नहीं? सेकेंड था राजन, एक तो था एक था हायर अ मेंटर,
और दूसरा था इन्वेस्ट 1 आवर एवरी डे ऑन योर गोल. इन्वेस्ट 1 घंटा एवरी डे ऑन योर गोल, पहला ब्रह्मास्त्र. दूसरा हायर अ पर्सनल कोच फॉर यू. रंजीत प्लीज गेट द हरप्रीत नंबर एंड टेल हर आफ्टर द मंथ जब आपकी प्लानिंग हो जाए सारी. राइट रंजीत, रंजीत कुराडे. चलिए जी क्वेश्चंस. क्वेश्चंस किसी के नहीं है क्या? हो गया. यस गुरुपाल सिंह जी. हेलो सर. यस सर, एक्चुअली अभी कोई जाएगा नहीं जी. दिस इज हाईली डिसरिस्पेक्ट कि कोच बैठे और आप लोग चले जाते हो यार. मैं भाई बोलूंगा सबको आपको अभी. सर सेकंड फॉर सेकंड ब्रह्मास्त्र लाइक आई वाज आस्किंग लाइक हाउ टू गेट पर्सनल कोच. आई एम नॉट श्योर लाइक हाउ टू गेट दैट. कैन यू प्लीज हेल्प? ऑफलाइन ले लो इसको यार. थोड़ी सी अपनी सेल्स कर दूंगा उसके अंदर ना. ओके ठीक है जी. रक्षित अहूजा, यस आई मीट पर्सनली, गेट इन टच विद हरप्रीत. चलिए जी, जो आप लोगों का सवाल है पर्सनल कोच का, उसका मेरा दो आंसर है. एक आंसर ये है कि गूगल पे जाओ और वहां करो आई हैव टू हायर अ पर्सनल कोच फॉर माई बिजनेस. देखो वहां क्या आता है. उस कोच को जो नाम आएंगे जो 5-7, उनको उनकी रिसर्च करो, उनके फीडबैक चेक करो, उनकी रेटिंग्स चेक करो, उससे मीटिंग करो एक बार. सेकेंड आंसर कि जो मेरा अगस्त में या सितंबर में लॉन्च हो रहा है प्रोग्राम, प्रीमियम प्रोग्राम, उसमें आई विल बी डूइंग द पर्सनल कोचिंग. उसमें आई विल डूइंग द पर्सनल कोचिंग आमने सामने एक टेबल पे. जिन लोगों ने फॉर्म भरा है आई विल टेक केयर ऑफ दैट, उनको हर पे कॉन्टैक्ट कर लेगी. चलिए जी, थैंक यू नोट सबके लिए. आपको ये कैसा लगा मीटअप? वैल्यूएबल था, नहीं था? जो भी आपका लव है, जो भी आपकी फीडबैक्स हैं, जो भी आपका कुछ प्यार है, प्लीज गिव मी सम योर बैड वर्ड्स इन द चैट बॉक्स ताकि मैं इसको और अच्छा कर सकूं. उसके बाद चलते हैं जी. 5:55 हो गए हैं. सुबह सुबह सिर्फ एक ही रोटी खाई है मैंने, एक परोठा खाया, वो कुलचा खाया, कुलचा सिर्फ, भूख लग रही है सुबह से उठा हूँ. थैंक यू सो मच पिंटू जी, थैंक यू सो मच रक्षित, रक्षित जी, थैंक यू सो मच देवेंद्र यादव, यू आर ऑसम. एंड सदाफ हनुमान जी, थैंक यू जी सदाफ जी. एंड रक्षित, पेमेंट रिकवरी रक्षित हरप्रीत से पूछ लो, July 31st को है. संजय पुरानी, संजय थैंक यू, संजय थैंक यू सो मच. मोहम्मद अली जी थैंक यू सो मच. सुमित पटेल, सारे थैंक्स बोल रहे हैं और कुछ लिख नहीं रहा. कुछ और तो लिख दो यार, यार प्लीज यार कुछ भी लिखो, बुरा या कुछ तो लिखो. आप बहुत बकवास करते हो सर, सब बेकार करते हो, सब बेकार है, कुछ फायदा नहीं होता इसका. इट्स वर्थ एंड विश यू मोर फ्रॉम यू. कीप इन टच रंजीत कुराड़े जी. Love the session. Thanks a lot. Love you, Virji. Love you, Surinder ji. Ankit ji, thank you. Simarji ji, thank you. Manpreet ji, thank you. Much thanks, sir. Date system group kar raha hu. Very good. Ek baat yaad rakhna sare, Saavji bhai ki baat yaad hai, nahi yaad hai? Saavji bhai dhulak gaya ki. Kisko yaad hai? Implement right away. Kal pe mat chhodna. Aaj shuruaat kar do. नहीं तो कल नहीं आने वाला, नहीं आएगा. आप सबको याद, स्टोरी याद होगी रावण वाली, लक्ष्मण वाली, कल नहीं आता. इंप्लीमेंट की शुरुआत आज कर दो, ऑन कर दो, कल कंटिन्यू कर लेना पाए चाहे. यस 5 AM पक्का. चलिए जी, लव यू ऑल. आज है थर्सडे, नहीं आज संडे है, सॉरी मंडे. कल मंडे की क्लास है अप्रैल बैच की, और फ्राइडे को नहीं, कल हाँ इस बार फ्राइडे की क्लास नहीं. आपको याद होगा मैं कश्मीर जा रहा हूँ, और अगले बार अगले महीने मंडे को नहीं, अगले हफ्ते, कल मंडे वालों की है. चलिए जी, संजय जी मिलते हैं जी कल.
और ठीक है सुशांत जी और पायल जी आए नहीं आज, संजय जी I was hoping to see them here. अच्छा बिजी हैं, चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू. मैं सबके नाम लेता हूँ और मैं बाय बोलता हूँ. बाय बाय गुरुपाल जी, मोहम्मद अली जी, मनोज मुरारका जी, अभी गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, अनंत शर्मा, अंकित सिंगल, आशीष पांडे, बशीर जी, दीपक गुप्ता, दीपक जैन, देवेंद्र यादव, हर्षित अग्रवाल, हरविंदर सिंह, जम्बू चंपावट जी, क्या हाल चाल है आपके, कहाँ थे आप इतनी देर. मनमोहन जी, मनप्रीत जी, मयंक गर्ग, नीरज सोलंकी जी, कैसे हो जी, पंकज बजाज, राहुल अरोड़ा, राजन भार्गवा जी, लव यू, रक्षित अहूजा, रंजीत कुराडे, बिस्ट जी, सिद्धार्थ नुमान सारी जी, सजन अग्रवाल, साजन जी कैसे हो, बड़े दिन बाद दिखे हो यार, आए नहीं बड़े दिन. समीर जी, संजय पुराणिक जी, सौरभ जी, सिमरजीत सिंह जी और औसम, सुमित गुप्ता, लव यू, सुमित पटेल, सुरेंद्र सिंह जी, वाहिगुरु जी खालसा, विक्रांत काले जी, यू आर ऑसम, बाय बाय टू एवरीबडी. मेरी वाइफ ने बनाया कुलचे, वो भी स्टफ खुद बनाया है कुलचे भी उसने, फोटो भेजूंगा जाके ग्रुप पर डालूंगा. करना क्या है, उसकी पैर दबाने हैं और बातें करनी है, आप सबने करनी है आज, ठीक है जी. लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, मिलते हैं. नेक्स्ट मीटअप होगा, हाँ, अगले जुलाई में दो मीटअप्स हैं, एक 5 AM का और एक है, हमारे साथ आ रहे हैं सुरेश मंचरमानी जी, दिखाओ फोटो, वो होल्ड करो. गोल सेटिंग कोच है सुरेश जी, गोल सेटिंग कोच, दिखाता हूं फोटो. जुलाई 25th को आ रहे हैं हमारे साथ 2 घंटे के लिए. कहां गया ये, गोल सेटिंग कोच हैं. गोल सेट कैसे करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे लिए नहीं है. तो आपने आना है 25th जुलाई है मेरे ख्याल से, संडे में, लेट मी चेक, 25th जुलाई, ट्वेंटी फोर जुलाई को आ रहे हैं, राइट जी. मिलते हैं बहुत जल्दी जी, मिलते रहेंगे अब तो. बाय बाय, टेक केयर, चेयर्स, लव यू ऑल जी, सी यू. यस प्रशांत जी, योर ऑसम, ऐसे ही होगा. एक पार्सल आपको भी भेजूं, ठीक है मनोज जी, भेजता हूँ मैं, फोटो भेजता हूँ आपको मैं. लव यू जी, बाय बाय, टेक केयर.